हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो देखो बच्चों, मैंने आपको रियल नंबर आपको पहले भी पढ़ाया, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 1.1, 1.2। लेकिन इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको मिलने वाला है। अगर आपने एनसीईआरटी का परिमेय संख्या नहीं पढ़ा है तो ये पूरी वीडियो आपका एक पूरा चैप्टर खत्म करने वाला है। यानी कि इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज, फुल चैप्टर मिलेगा, जितना एक्सरसाइज सब मिलेगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखेगा और मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने कॉपी में जरूर लिखेगा, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते क्लास को। अगर ध्यान से पढ़ना है, सीखना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते क्लास को। ओके, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहले वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर दीजिएगा। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो हमारा 1.1 है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। इसमें जो है 1.1 है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा ये, तीन क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों को बारी बारी से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, ये हमारा चैप्टर रियल नंबर है ना, रियल नंबर चाहे वास्तविक संख्याएं हैं, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, इस टाइप का सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको बनाने का बहुत सिंपल मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है। आइए, सवाल दिया हुआ है कि एचसीएफ ज्ञात करना है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो ये ऐसे दिया रहेगा आपके एग्जाम में। सवाल कैसा रहेगा? सवाल ऐसा रहेगा, ये दिख देगा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें, ऐसे बोलेगा 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको सीख लीजिएगा तो सवाल जैसे भी दे आप आराम से बना लीजिएगा, है ना? चाहिए कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें आप लिखेंगे सॉल्व, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो यहां पर 135, 225 बड़ा कौन है भाई? तो बड़ा है 225 जो है, बड़ा है ना, 225 बड़ा है किससे? 135 से। इसीलिए यहां पर जो है ना ए बराबर 225 तथा बी बराबर 135 यहाँ पे लिख लेना है। ए बराबर 225, बी बराबर 135। तो बड़ा वाला जो होगा उसको ए मानेंगे और छोटा वाला को बी मानेंगे। अब हमको सवाल क्या बोलता है? अब सवाल बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना लिखना है। लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला क्या होता है? आइए मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका बोलता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यूक्लिड विभाजन महोदय ने जो फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो इस विधि से भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से भी आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए, तो यहां पे क्या करेंगे भाई हम लोग, ध्यान से देखें। अब हमारे पास पहले से दे दिया, ए का मान क्या था? ए का मान था 225 था, है ना? बी को मैंने क्या माना था? 135 हमने बी को माना। क्यू कहां से लाएंगे सर, और आर कहां से लाएंगे? देखिए ध्यान से, क्यू और आर कहां से लाएंगे इसको ध्यान समझिए। तो पहली बात तो यहां पर यह है, हमको रफ लेना पड़ेगा, रफ कॉपी लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक रफ कॉपी मिलेगा। कहां मेरा रफ कॉपी? हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में एक रफ कॉपी मिलेगा, ठीक है ना? उसी पे आपको जो है रफ कॉपी लेना है और बनाना है। तो क्या दिया हुआ था? 225 था और 135 था, ये था ना जी? देखिए क्या था, 225 और 225 और 135। तो हम रफ कॉपी निकालते हैं फिलहाल और क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड, 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, ठीक है? तो 135 दुना कितना हो गया? 270। तो एक बार में लगाइए, एक बार में लगाइए 135, एक बार में लगेगा, पांच है, पांच घटेगा जीरो, बारह में से तीन घटेगा, नौ तीन बारह, 90। तो 90 यहाँ पर जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, फिर से ऐसे घेरेंगे और अब 135 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो 90 एकम 90 हो जाएगा, पांच घट के आ जाएगा, 13 में से 9 घटे, 9 चार 13, फिर देखो जीरो नहीं आया, फिर इसको घेरेंगे ऐसे और 90 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 45 दूनी 90, अब देखो जीरो आ गया। अब एक बात समझिए यहाँ पर, ये इस बात को समझिए, यहाँ पर जो ये क्या ए है, ये वाला बी है, ये क्यू था, ये क्या था, ये था, ये क्यू है और ये क्या आर था,
जब जीरो नहीं आया तो अब हमने कहा कि इसको घेरा, और जैसे ही घेरा अब ये बन गया बी, और इसको यहां पे उतारे तो अब ये बन गया ए, और ये बन गया क्यू, और ये बन गया आर। फिर जीरो नहीं आया तो फिर हमने इसको घेरा, और जैसे ही इसको घेरे अब ये बन जाएगा बी, और 90 को यहां पे उतारे ये बन जाएगा ए, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बन जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यही बात को हमको इस यहां पर लिख देना है, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तो हमने जब भाग किया तो कितना बार काटा था, 135, एकम 135, शेषफल कितना आया था, देखिए शेषफल आया था कितना, शेषफल आया था 90, ठीक है। तो ये आपको रफ कॉपी में करना है, आपके एग्जाम में रफ कॉपी मिलेगा सैड में, तो उसी में करना है रफ, ठीक है। तो कितना आया था शेषफल, 90 आया था, जीरो नहीं आया तो लिखेंगे, जब जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर मैंने क्या करना, ए किसको बनाया था, ए किसको बनाया था बताओ, ए 135 को ए बना दिया था ना, तो भाई यहाँ पर भी क्या करेंगे, 135 को ले चले आते ए में, और 90 को क्या बनाए थे, बी बनाए थे, 90 एकम 90, 90 एकम 90, देख लो यहाँ पे बार बार 90 एकम 90, और 45 यहाँ पे बच गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ बच गया था कितना, 45, ओके। अब 90 यहाँ पर आ जाएगा और 45 यहाँ पर आ जाएगा, बी 45 दूनी 90, शेषफल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि आर बराबर जीरो हो गया इसलिए 225 तथा 135 का एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, जिससे कटेगा बताइए, कटा किससे लास्ट में, 145 से लास्ट में कटा है ना, 45 से कटा, यहाँ पे लास्ट में किससे कट रहा, 45 से कट रहा, तो ये हो जाएगा 45, और यही आपका हो गया राइट आंसर। एकदम ऐसे बनाना है, हमने यहाँ पे ब्लैक ब्लू रेड यूज किया, आपको एग्जाम में कोई एक ही पेन यूज करना, चाहे ब्लैक पूरा चाहे पूरा ब्लू, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा अच्छा से दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किए, ठीक है। तो समझ में आया, अब ऐसे सवाल हमारा दूसरा है, देखिए दूसरा सेम ऐसे क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, आप इसको सीख लीजिए, कोई भी किताब रहे आप बना लीजिएगा नाम, धड़ा धड़ा एन, चाहे भारती भवन का हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड का हो, चाहे आलोक का हो, चाहे आर एस अग्रवाल का हो, चाहे किसी भी प्रकाशन किताब, आराम से बना लीजिएगा। अब 196 और 238 220 का बनाना है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, भले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यार, यहाँ पे ज्यादा आप लिखते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आइए। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 38,220 जो है वो 196 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर एक बराबर मानेंगे 38,220 को, और तथा बी को मानेंगे कितना, 196 को मानेंगे बी। जब ये लिख लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्या इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, इन्होंने फॉर्मूला दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला दिया था। फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं, आइए भाई। तो डिवाइड करते हैं, अब इसको कैसे साफ करें हम, डायरेक्ट कटेगा, अच्छा यहाँ से डायरेक्ट कट करें, एक मिनट भाई, चलो ये यहाँ से कट हो गया, चलो फिर चलाते हैं। तो आ गया वाइट बोर्ड हमारा, कितना लेना था, देखो 38,220 को भाग करना 196 से ना, तो ये रफ कॉपी में करेंगे, 196 से भाग करना है 38,220 को, ये मेरा बनाया हुआ है तो आप देख लीजिए, इसको 196 एकम 196 लगाएंगे यहाँ से, तो 12 में 6 घटेगा 6 हो जाएगा, और 9 8 17, यहाँ पे 2 में से घटेगा 1, उतारेंगे 2, 196 9 बार में लगेगा ये, ठीक है ना, ओके नौ बार लगेगा, तो 9 छक 54 के 4 बचा 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 बचा 8, और 9 एकम 9 9 8 17, तो 12 में से 8 4 कटेगा 8 4 12, और है ना 8 4 12 हो गया, ठीक है, और 9 6 15 ये तो हो गया। अब ये जीरो उतर जाएगा, मेरे ख्याल से 5 बार में लग जाएगा, 6 25 30 की 0 बचा 3, और 9 25 45 3 48 के 8 बचा 4, 5 एकम 5 5 4 9, देखिए शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कहने का मतलब कि एक ही बार में डिवाइड किए जीरो आ गया, कितना बार लगा, 195 बार लगाए तो जीरो आ गया, यानी कि ये तो बड़ा आसान हो गया भाई हमारे लिए, है ना, यहाँ पे तो बड़ा आसान हो गया। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए का मान, क्या लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे हम लोग 38,220 को, जब मैंने डिवाइड किया 196
छियानवे से तो 195 बार में कट गया और शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया, शेषफल आ गया जीरो। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि आर बराबर जीरो, इसलिए जब आर जीरो के बराबर हो गया तो लिखेंगे इसलिए 38,220 तथा 196 का एससीएफ, यानी कि आपका बोले मासा एससीएफ बराबर कितना है, कितना से कटा था बोलिए, कटा था 195 से, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। एकदम ऐसे ही बनाना है, ये जो मैंने किया है ये आपको रफ कॉपी में करना है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी में ही कर दीजिए खराब लगेगा, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है खराब लगेगा वरना। चलिए क्लियर, सबको बुझा गया है, समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक और सवाल ऐसा बनाने वाला है, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, आप वीडियो रोकिए पहले खुद से बनाइए, बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो फिर हम है यहाँ पे, है ना। चलिए तो आप वीडियो रोको पहले और पहले खुद से बनाओ, मैं तो आगे प्रोसेस जारी करता हूँ। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, 867 बड़ा है और 225 जो है 55 क्या है छोटा है, इसीलिए यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 867 तथा b बराबर 255 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, वही फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमको जाना पड़ेगा रफ कॉपी में, कितना करना पड़ेगा, a का मान क्या लिखें, a का मान लिखेंगे 867, b का मान लिखेंगे 255, q का मान नहीं मालूम तो 255 से भाग करना 867 से। चलिए तो यहां पहले हम इसको इरेज करते ना, इसको पहले हम इरेज करते हैं, ए 255 से भाग करना है 867 को, तो 255 दुना दो दुना छः कटेगा, तीन से कटेगा, 255 तिया पाँच तिया पंद्रह, पाँच पंद्रह सोलह, तीन दुना छः एक सात, ठीक तो है, तीन से लगा दो, तीन से लगा दो, ये तो बड़ा लोचा है ऐसे, तीन से लगाते इसको तो पाँच तिया पंद्रह, पाँच तिया पंद्रह सोलह छः बचा एक, तीन दुना छः एक सात, घटाइए सात में से पाँच घटेगा एक, जीरो आठ में से सात घटेगा एक, अब इसको घेर देंगे, अब इसको क्या बनाएंगे बी बना देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर 255, तो 102 बार लगा दो, दो एकम दो जीरो, दो एकम दो, पांच में से दो घटेगा तीन, आई हो गया 53, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, कुछ गड़बड़ा दिए हम, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ लिखे हम, पांच में सात में से पांच घटा दो, मेरा भी दिमाग हैंग हो गया, देखो यहाँ क्या लिखेंगे 255, यहाँ पर दो बार लगा देंगे, दो दुना चार जीरो, दो एकम दो, पांच में चार घटेगा एक, पांच में से जीरो गया पांच, अब देखो शेषफल जीरो नहीं आया, तब इसको घेरेंगे, अब इसको बी बनाएंगे और ये जो हमारा था शेषफल में वो अब ए बन जाएगा 102, तो 51 दुनी पांच, दो एकम दो, पांच दुना दस, 51 दुना 102 जीरो हो गया, इसी बात को हमको अरेंज कर देना यहाँ पर। चलिए तो करते इसको अरेंज, हाँ तो कितना आया था 155, तीन बार लगाए थे 155 को लगाए थे तीन बार में, तो शेषफल कितना आया था 155 को लगाए थे तीन बार में, तो शेषफल आया था 102, है ना, शेषफल आया था 102, जीरो नहीं आया। चलिए अब 255 इधर लिख लीजिए, तो 102 बनाए थे, 102 को लगाए थे कितना बार में, दो बार में ना, 102 को लगाए थे, देखो 102 को लगाए दो बार में, तो शेषफल आया कितना 51 आया। फिर क्या करेंगे भाई, 102 को लिख देंगे यहाँ पे, अब 51 गुना दो, 51 दुना 102 जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r बराबर जीरो इसलिए, इसलिए 867 तथा 255 का एच सी एफ बराबर, लास्ट टाइम कितना से कटा 51 से कटा ना, तो जाएगा 51 और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, सब बच्चे कमेंट कर दे यस सर, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा, समझ में आ रहा ना, हम आपको एक एक सवाल बताएंगे ओके। और
तो चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। बड़ा आसान है, सिंपल तरीका, एका बार सवाल पूछा है लेकिन हम पढ़ लेते हैं, हो सकता है सवाल पूछे तो छूटना नहीं चाहिए सवाल, ठीक है। चलिए तो हम सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखें थोड़ा सा है, इसको बनाना पड़ेगा, पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए पर मैं छोटा कर लिया इसको अच्छा से, ओके। अब यहाँ पे बनाते हैं, इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए ध्यान से। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, आप पहले ये बताइए मुझे कि सम संख्या में अगर कोई संख्या गुना करते हैं तो क्या होगा, सम संख्या होगा। सम संख्या में कोई भी संख्या गुना करेंगे तो हमेशा सम संख्या होगा, और अगर सम संख्या में कोई भी संख्या गुना किए तो सम संख्या अगर आ गया है तो जैसे 6 क्या है, सम संख्या है। क्यों की जगह पे कुछ भी ले लेंगे, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे 6q+1 है, ठीक है, तो अगर हम क्यू के यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 बैठाएंगे तो क्या वो सम संख्या आएगा, है ना, सम संख्या आएगा या नहीं आएगा, ये आपको बताना है। तो बोलता है विषम पूर्णांक, ये 6q+1 विषम होता है, 6q+3 विषम होता है, 6q+5 विषम होता है। वैसे ध्यान से देखिए, ये सम संख्या है, क्यू के यहाँ पे 1, 2, 3 कुछ भी रख दो तो सम के साथ कोई भी संख्या से गुना करेंगे सम संख्या होगा, और 1 क्या है, विषम संख्या। आप मुझे बताइए सम संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर मैं बोलूं बाबू 5 में जोड़िए, मान कोई सम संख्या मानते 6 है, 6 में जोड़िए 1 कितना होगा, 7, विषम संख्या। 6 में जोड़िए 3, 6 सम है, 3 क्या है, विषम है, तो सम में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो ये सिद्ध करना हमको दिखाना है। चलिए तो मान लेंगे, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ए जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके। जब ए को मैंने धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया है, जब ए को धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं, तो अब लिखेंगे यहां पे लिख लेंगे, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 नहीं, ए बराबर, ए तो धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे यहां पे, यहां बी बराबर 6 जो है दिया हुआ है ना, दिया हुआ है b बराबर 6। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप जब भी डिवाइड करते, 3 को जो भाग करना 4 से, तो 3 एकम 3, टेस्टफल यानी कि जो r का जो मान आएगा इस b से हमेशा छोटा आएगा। b जो अगर 3 है तो शेषफल, चाहे तो देखो अगर हम ये पहाड़ा 3 का पहाड़ा दें तो 3 एकम 3 शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 कर दें तो 3 एकम 3 शेषफल 1 आ गया। अगर यहाँ पर हम 5 कर दें, 3 एकम 3 शेषफल 2 आ गया। अगर यहाँ पर सर 6 कर देंगे तो 3 दुना 6 शेषफल 0 आ गया। पता क्या चला, पता ये चल रहा है कि भाजक से अगर भाज को भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा, यानी कि इससे छोटा आएगा, भाजक से छोटा शेषफल आएगा हर हाल में। तो जब b का मान 6 है तो लेकिन इसलिए r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 यहां तक हो सकता है जब b का मान 6 हो। तो जब b का मान यहां पे देखो, जब 3 और 4 किया मैंने, जब b का मान 3 है तो बताओ r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही तो हो सकता है ना। तो b का मान जब 6 दे दिया यहाँ पे, पहले से ये 6 लिखा नहीं, मैंने 6 यहाँ पे लिखा, तो r का मान क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो अब लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसका प्रमेय क्या होता है, a बराबर bq+r। अब बारी बारी से हम r का वैल्यू पुट करेंगे, बारी बारी से, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं, जब r बराबर 0, देखो जब r का मान क्या लिखें, 0 लिखेंगे, इसलिए
ए का मान क्या होगा बोलो, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे छ है ना, बी की जगह पे क्या वाला लिया, छ लिया ना, तो लिखेंगे 6q+0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 6q हो गया, 0 तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 है तो इसलिए a का मान क्या होगा, 6q+1 हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2 लेंगे तो a का मान क्या होगा, 6q+2 हो जाएगा। ओके, यहां पे बनाते हैं, जब r बराबर 3 लेंगे इसलिए a का मान क्या होगा, 6q+3 हो जाएगा। जब r बराबर 4 लेंगे इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 6q+4 हो जाएगा, है ना। जब r का मान हम लोग 5 लेंगे इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी बताया उसको ध्यान समझिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि अभी आपको मैंने क्या समझाया कि 6 क्या है, सम संख्या है। सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, 0 छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 किसी से भी गुना करेंगे, अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 × 12 सम हो जाएगा, अगर हम 3 से गुना करेंगे 6 × 3 = 18 सम हो जाएगा, हो गया। अब यानी कि गुना करने पे तो सम संख्या आ रहा, सम संख्या को किसी संख्या से गुना करेंगे तो सम संख्या आएगा। सम संख्या मान लेते आ गया, अगर मान लेते आ गया 8। अब सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होगा या विषम होगा, बोलो जल्दी से क्या होगा, विषम होगा। सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, अगर 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा, लेकिन सम संख्या में अगर विषम जोड़ देंगे तो विषम संख्या होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान से कैप्चर कीजिएगा इस बातों को कि क्या है भाई, यहां पर देखो कि 6 क्यों क्या है, सम संख्या है तो 0 जोड़े तो 0 तो कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सम संख्या में 1 जोड़ दिए तो 1 तो विषम संख्या है ना, सम संख्या में देखो सम संख्या जोड़ दिए तो ये तो विषम हो गया, ये तो सम हो गया। सम संख्या में विषम संख्या जोड़े तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। सम संख्या में सम संख्या जोड़े तो ये तो सम हो गया, सम संख्या में विषम जोड़े तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। सवाल ये बोल रहा है कि इतना बना तो लिए भाई, लेकिन बताइए क्या ये होता है, हाँ बिल्कुल होता है, देख लीजिए ना, ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है, है ना। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, किसी कोई भी, यहां पे ही लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। बस इतना ही बनाना है, कैसे हुआ अभी यहां पे हमने प्रूफ कर लिया, समझ में आया। ओके चलिए, आपको यहाँ पे एक स्लाइडिंग दिख रहा होगा, इन स्लाइडिंग पे एक नंबर दिया होगा, हमारा क्रैश कोर्स भी चलता है ना, फुल कोर्स नोट्स भी मिलता है, प्राइवेट क्लास चलता है, ऐप पे सब आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ पर नंबर दिया हुआ, जाके नंबर पे आपको जो यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमारे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको मैं समझा देता हूँ। सवाल ये बोलता है भाई कि 616 सदस्यों वाली एक सेना है, एक सेना इसमें कितना सदस्य है, 616 सदस्य है, ठीक है। दूसरा जो है आर्मी की टुकड़ी की को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड, अब आर्मी का बैंड है, बैंड बजा पे पे जो बजता है बैंड बाजा, तो अब इस सभी को इसके पीछे चलना है, ठीक है। तो बोलता है कि दोनों समूहों को समान होगा, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, मतलब एक ऐसा लाइन बनाना है, ऐसा लाइन जो एकदम समान, मतलब 3200 इसमें अट जाए और 616 भी सब में अट जाए, मतलब कोई फूट ना हो, हर लाइन में सेम सेम आए और एक जैसा चले। तो वो बताए कि अधिकतम कितने स्तंभ बनेगा, कितना लाइन बनेगा। तो जब भी अधिकतम बोले ना तो आपको क्या निकालना है, HCF निकाल देना है, ठीक है। हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, चलो
समझ में आई मेरी बात? देखो ये 616 सदस्य है, ठीक है, यहाँ पे 616 आर्मी है और यहाँ पर 32 बैंड बैंड पे पे बजा रहा, ठीक है ना। अब वो ये 32 और ये दोनों कैसे स्टैंड हो, कैसे लाइन लगे, जो पूरा के पूरा एक लाइन में आ जाए तो ये कितना लाइन लगेगा, यही बोला कितना लाइन, अधिकतम से अधिकतम कितना लाइन लग सकता है, कम से कम तो एक ही चाहेगा तो एक ही लाइन में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ना, ऐसा लाइन लगे जो कि ये पूरा के पूरा समाज है, उससे बड़ा लाइन नहीं लग सकता, उससे ज्यादा लाइन नहीं लग सकता, ये निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहां पर वही नियम यूज करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखना, यहां पे लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, वही 616 बड़ा है किससे, 32 से बड़ा है, 16-32 से क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पर A का मान कितना हो गया 616 तथा B का मान कितना हो गया 32। अब यहाँ पे आप जैसे भी HCF ज्ञात कर लीजिए, हम आप फिलहाल यूक्लिड वाला सवाल बना रहे थे, यूक्लिड विभाजन वाला ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा आसान होता है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे इसलिए A बराबर BQ+R। तो अब A का मान क्या रखेंगे 616, B का मान कितना रखेंगे 32, Q का मान कितना आएगा पता नहीं है, तो हम आइए हम चलते हैं आपके रफ कॉपी में लेके चलते हैं, आइए 32 को से डिवाइड करना है 616, 32 के बार लगाएंगे भाई, 32 दो 64 हो जाएगा, तो ये तो 32 25 60 32 8 आठ दोना 16 6 बचा 1 8 24 25 256 तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, एक बार में लगा दो और क्या, 32 से कम 32 पहले लगाते हैं, 11 में से 9 2 11 और 5 में से 3 घटेगा 2 से उतारेंगे है ना, और यहाँ पे फिर कितना लगा 32 8 32 नंबर कितना होगा 32 नंबर 9 2 18 का बचा 1 9 3 27 28 9 2 18 9 3 27 288 296 हाँ 32 8 288 16 में से 8 घटेगा 8 ये तो हो गया 0। अब पूरा नहीं कटा ना तो क्या करेंगे, घेरेंगे और 32 यहाँ पे उतारेंगे, 8 4 32 कितना आ गया 0 आ गया, कितना से कटा 8 से कटा पूरा पूरी, तो जिससे कटेगा वही HCF होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं, जब मैंने डिवाइड किया था कितना आया था, कितना आया था भाई, आया था आजा भाई 18 ना, 18 बार में काटे थे शेषफल 8 आया था, 18 बार में काटे थे शेषफल 8 आया था, तो अब क्या करेंगे 32 को यहाँ पे लाएंगे और ये आपका हो जाएगा 8 8 × 4 शेषफल क्या हो गया 0, तो लिखेंगे क्योंकि r बराबर 0 इसलिए आप लिखेंगे 616 तथा 32 का HCF बराबर कितना 8, तो लिखेंगे अतः क्या सवाल बोलता है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च आता, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, बस इतने कर देना, यही आपका आंसर है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो समझ में आया, मतलब 8 लाइन बनेगा तो 4 गो बैंड यहां पर रहेगा, देखो 4 बैंड यहां पे, 4 बैंड इसमें, हर 8ों में 4-4 बैंड रहेगा और उसके पीछे रहेगा सेना का आर्मी, इससे ज्यादा लाइन लग ही नहीं सकता है जिसे बराबर बराबर में हो, तो चर्चर को लगेगा सब में तो हो जाएगा, तो यही सवाल बोल रहा हूं आपको, समझ आया। चलिए अब आगे आते हैं सवाल 4 नंबर सवाल, ये भी बड़ा मस्त सवाल है भाई, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बोलता है यूक्लिड विभाजन परमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+a के रूप का होता है, ये बताना है। ओके इसके पहले एक सवाल और है, ठीक है, इसके पहले एक सवाल और होगा, उन सभी सवाल को पहले करेंगे। ओके चलिए तो पहले इसको कर लेते हैं, यार रोके पड़ेगा यहाँ पे वीडियो को, इस वीडियो को हम यहाँ पे ये करेंगे, ऐसा क्यों दिख रहा है हमें, हेलो कितना हो गया 20 मिनट। चौथा सवाल यहाँ पे देखिए ध्यान से,
चौथा सवाल क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करना है और दर्शाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। अब क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया है कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस a के रूप का होता है, 3m प्लस 1 होना चाहिए, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। थ्री एम प्लस वन करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वन छुपा हुआ है, वन यहाँ पे मिस्टेक से ए लिखा गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं, अब यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, बस वर्ग का नियम आ जाएगा, है ना। हल करते हैं, मानना क्या है, मानना कि ए को माना धनात्मक पूर्णांक मानना है ना, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, हो गया। और यहाँ यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर देखो 3, ये जो है ना ये b का मान दिया हुआ है, b बराबर 3 दिया है। जब b बराबर 3 दिया हुआ तो मुझे बताओ भाई कि r का मान क्या होगा, r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि इससे तो छोटा रहेगा हर हमेशा। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना, प्रमेयिका से एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें होगा। अब क्या करेंगे हम, जब इतनी बातें हमने लिख लिया तो यहाँ पे ना एक स्लाइड और हमको लेना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए फिलहाल पहले से बनाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब मैंने लिया तो क्या बोलता है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, ये होता है। अब हम बारी बारी फिर वैसे ही करेंगे, फिर वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे जब r बराबर 0, इसलिए जब r बराबर 0 हो गया तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए a का मान क्या होगा, 3q प्लस 0, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, अब बोलता है वर्ग करने के लिए क्या बोलता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि इस तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए a है ना, तब a का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे a का स्क्वायर करेंगे, तो 3q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3^9 q स्क्वायर हो गया, 3^9 q² हो गया। अब जब हमारे पास ये वैल्यू आ गया है तो अब क्या करना होगा, हमको 1/1 करेंगे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3q² कर सकते हैं ना। अब जो 3q² है ना, यहां पे लिखेंगे 3q² को m के रूप में लिखने पर, मतलब 3q² को m के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 3q² यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, यहाँ पे बोलो ना m के लिए 3m, देखो ये आ गया 3m। अब एक अगला पॉइंट बनाएंगे, है ना, हमारा जहां पर ये वाला आंसर पहले तो मैच कर गया, हो सके दूसरा मैच कर जाए ना तो तीसरा मैच करेगा, वहीं पे हम अटक जाएंगे, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यदि r बराबर क्या लिखेंगे, अब बोलो यदि r बराबर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे 1, इसलिए a बराबर क्या होगा, 3q + 1 हो गया। अब क्या करें, वर्क करेंगे ना, तो वर्क करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉपी पलट लेते हैं, है ना, हमारा एक पेज प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आया क्या, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बनाइए, इसको बनाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab + b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या करना होगा, 3^9 a² 3^6 q + 1, इसको हम क्या करेंगे, देखिए
इसको मैं क्या करूंगा, मतलब अपना थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन हो रहा, इन दोनों में कॉमन आ रहा क्या, तीन। तो तीन जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन तीन नौ ए स्क्वायर, तीन दोनों छः क्यू प्लस वन। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे थ्री थ्री क्यू है ना भाई, ए नहीं क्यू है, क्यू है, क्यू है ना, इसको क्यू लिखो, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू को एम के रूप में लिखने पर, जब इसको एम के रूप में लिखते हैं क्या होगा बताओ, जब इसको एम के रूप में लिखेंगे इतना को लिख देंगे एम के रूप में, तो जगह इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, थ्री एम प्लस वन, जो कि हमारा आंसर ही पे मैच कर गया, थ्री एम, थ्री एम प्लस वन। तो आप आगे कुछ करना नहीं है, अब लिखेंगे अतः, अब क्या बोलते हैं, अतः किसी पूरा लिख दीजिए, किसी भी धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोलता है, पूर्णांक का वर्ग m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इतना आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से आया समझ में, कुछ करना नहीं भाई, स्क्वायर है मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, बस स्क्वायर चढ़ा के हमको 3m के रूप में ला दिया मैंने, 3m के रूप में, और 3q स्क्वायर को हमने m मान लिया। अब m मान ले तो यहाँ पे क्या लिख दिए, जो 3 है ना, 3 को बाहर रखा और इसको मैंने m के रूप में लिख दिया। फिर जब 3 क्यू प्लस 1 लाया, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया, जैसे ही a प्लस b का होल स्क्वायर किया इसको मैंने तोड़ दिया, और ये हम ऐसा पैटर्न बनाए कि 3 इसको हम m के रूप में बना दिए, तो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब यहीं पे हम बोल सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस यही तक करना है। अगला एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है, और वो सवाल क्या है कि दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन आ गया है ना, तो ये भी तो थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, तो यहां पर मैं ले लेता हूं यहां एक, चलिए अब लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, सेम कंडीशन माना पड़ेगा, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब एक धनात्मक पूर्णांक है तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां b बराबर कितना दिया हुआ है, 9 है ना, b बराबर 9। जब b का मान 9 हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब हो रहा है कि r का जो वैल्यू होगा 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इतना दूर तक नहीं करना है हमको, बस दो तक करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बट इतना दिया हुआ है। तो चूंकि b का मान तो यहां तक आ सकता है, जब b का मान 9 दिया हो तो r का मान 8 तक जा सकता है। अब बारी बारी फिर वही काम करना पड़ेगा हमको, है ना। चलिए लिखेंगे, इसलिए क्या बोलता है यहां पर, यूक्लिड, इसलिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन परमेयिका क्या बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके, फिर यहां पे बारी बारी से लेते हैं, छोटा करते थोड़ा सा, लिखते हैं, जब a जब r बराबर क्या लेंगे, 0, तो जब r बराबर 0 लेंगे, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा, 3 है ना, अच्छा 9 है, 9 क्यू ना, 9 m है यार, हम यहाँ b के पे m है, 9 m यहाँ पे m दिया ना, चलो कोई बात नहीं, 9 m। ओके, तो यहाँ पे तो m तो लास्ट में मानेंगे ना, उसको रहने दो, 9 क्यू प्लस 0 हो गया। अब क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर, इसलिए अगर हम देखा जाए तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 क्यू का स्क्वायर है ना, 0 तो कोई मतलब रहा नहीं। अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, 3 पावर नहीं, घन है ना, एक मिनट, घन है, घन है, ए क्यूब करो, ए क्यूब बराबर 9
9 क्यू का क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, तो ए क्यूब को तो ऐसे लिखेंगे, देखो 9 पर 9 जो यहाँ पे तीन बार है, तो ए को 9 को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 बाहर निकाल लिए और यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, जब 9 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे 2 9 बच जाएगा, 9 यहाँ पे तीन बार, 9 यहाँ पे तीन टाइम है, 9 × 9 × 9, तो ये 9 को बाहर निकालते हैं तो अंदर में 2 बार 9 बचेगा, तो यानी कि 9 × 9 = 81 बचेगा। और क्यू क्यू क्या बचेगा, क्यू को क्यू रहने दो, क्या क्यू को क्यू रहने देते ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एम, है ना, लिखेंगे 81 क्यू स्क्वायर को एम के रूप में लिखने पर, तो जब इसको एम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m हो गया, पहला हमारा आ गया 9m। अब दूसरा क्या करना, 9m + 1 लाना है, फिर अब r का मान 1 मानो, चलिए लिखते हैं, यदि r बराबर 1, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 9q + 1, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में क्यू, इसलिए क्यू लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यूब जब घन करेंगे तो 9q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक पेज और यहाँ पे स्लाइडिंग लेंगे, क्या आया, ए क्यूब आया 9q + 1 का होल क्यूब आया, तो मैं डबल लिख लिया हूँ, आप सुधार, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, सबको पता है भाई, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² b + 3ab² + b³, पता है ना फॉर्मूला, तो बस बना बन फटाफट बनाइए। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ए क्यूब को ऐसे लिख देते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 9 क्यूब का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3a² b + 3 हो गया ना, 3ab² + b³। ये फॉर्मूला मैंने आपको आपके लिए लिख दिया है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद है तुम, एक ही हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर ना, 1 क्यूब होगा यार, हाँ तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 7 × 29 ना, 7 × 29 लिख दीजिए, q² q³ आई नो नो 81 81 तिया 81 तिया। तो ऐसा करते हैं, देखो आसान बनाने के लिए इसको ऐसे करते हैं, 9 कितना बार है 3 बार है ना, तो ये को 9 को बाहर निकाल, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि 9 तो बाहर निकालना पड़ेगा, 9 तो कॉमन हर हर में लेना है, तो क्यों ना हम इसको उसी फॉर्मूले में पहले लिख दें। तो 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, 81 बचेगा, 81 q² q³ ना, क्यूब ये तो पावर 3 रहेगा इस पे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 9 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 9 × 9 कर लेते हैं, और क्या क्यू का स्क्वायर कर लेंगे, एगो 9 बाहर निकलेगा, यहाँ पर तो है ही है भाई, 3 × 9 क्यू ऐसे रहने दो, प्लस 1 का 1। देखिए क्या करते हैं हम लोग, नियम लगाते हैं, देखिए 9 यहाँ बाहर निकालते हैं, क्या बचेगा, 81 q² यहाँ से 9 निकलेगा, एगो तो 9 × 3 = 27 अंदर बचेगा, 9 यहाँ पे 2 बार, एगो निकाल लेंगे बाहर तो 1 बचेगा, 3 से गुना कर दिए, 9 × 3 = 27 q² यहाँ से 9 बाहर निकला, 3q हो जाएगा प्लस 1। अब लिखेंगे 81 q² + 27 q² + 3q को m के रूप में लिखने पर, तो क्या होगा, a क्यूब बराबर आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इतना दूर में लिख देंगे m + 1। अब क्या चाहिए, एक और चाहिए ना, 9m + 1 हो गया, 9m + 1 हो गया, 9m + 8 लाना है। अब क्या करेंगे, r का मान अभी 2 मानो, एक स्लाइड और लेते हैं, क्या लेते हैं, यदि r बराबर 2, इसलिए a का मान क्या होगा, 9q + 2, तो यहाँ पे अगर a स्क्वायर ले ले, a पर पावर घन है ना, घन लेंगे तो क्या होगा, 9q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा। फिर वही नियम, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला फिर बैठाते हैं, चलिए बैठाइए, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब
प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो गया ना। इसको भी सुधार सुधारते, देखिए नौ कितना बार, तीन बार है तो एक नौ बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा बोलो, अंदर ऐसे लिख लो इक्यासी बचेगा ना, इक्यासी क्यूब बचेगा क्यूब, यहाँ भी एक नौ बाहर निकालो तो तीन गुना नौ बच जाएगा, चूंकि तीन तो बाहर पहले से है, हम खाली पहले लिख दिए हैं ओके, और गुना दो भी है, ये दो भी तो है, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सुधार लो, यहाँ पर दो दुना चार चढ़ती है बारह कर लो, क्या नौ क्यू दो दुना चार चढ़ती है बारह कर लो ऐसे, और दो पर पावर तीन कितना होता है आठ होता है, अब क्या करेंगे नौ ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा इक्यासी क्यूब पर पावर थ्री, ये तो नौ बाहर निकल गया, नौ तीस सताइस, सताइस दो नहीं चौवन क्यू स्क्वायर, ये तो नौ बाहर निकला बारह क्यूब प्लस आठ, अब क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे एम लिख देंगे, लेकिन इसलिए ए क्यूब बराबर नाइन, यहाँ पे क्या लिख देंगे एम लिख देंगे नाइन एम प्लस एट, तो लिखेंगे अतः धनात्मक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, होता है अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, समझे। जब आपने यहां तक कर लेना है तो समझो प्रूव हो गया, और क्या तू है ना, वो अभी हम पुरानी जो किताब है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो संख्या जो दिया उसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे बनाएंगे, वन बाय वन करके हम बनाते हैं। सबसे पहला सवाल को यहाँ पे करते हैं सोल्व, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वह 140 है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो पहले 140 का निकालेंगे, क्या ये करेंगे अभाज्य गुणनखंड करना होगा हमको, चलिए तो इसको करेंगे दो से काटेंगे, दो सत्तर चौदह जीरो, फिर काटेंगे दो से तो पैंतीस दुना एक सत्तर, फिर काटेंगे कितना ऐसे पांच से, पांच सत्तर पैंतीस, इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जगह हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, इसका जगह यहाँ पे पत्थरा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया बताइए, 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, दो दो पांच सात, दो गुना पांच गुना सात आया, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, दो कितना बार आया, देखिए दो कितना बार आया, दो बार आया तो दो लिख देंगे, दो बार गुना पांच गुना सात, बस इतने ही लिखना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आप बताइए क्या 156 का नहीं बनेगा, है ना, सारे बच्चे बताएं क्या 156 का नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब 156 को देखो बनाते कैसे, देखिए तो हमने बना दिया, ये यहाँ से पार्टीशन करते हैं, ये अलग हो गया ओके। अब आइए 156 को बनाते हैं, तो 156 को यहाँ पे हल करेंगे दो से, दो सत्तर चौदह, दो अठे सोलह, एकदम दो से काटिए, तीन से काटिए, जैसे बच्चा लगा से था उसे काटेंगे, और फिर तीन दो से काटेंगे, दो तीया छः, दो नौ अठारह, फिर काटेगा तीन से तेरह तीया उनचालीस, हो गया। अब लिखेंगे ऐसे लिखो ओके, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए दो कितना बार आया, ए पहले जो लिख देते हैं ना, दो गुना तीन गुना उनचालीस, यहाँ पे आठ नहीं रहा तो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, दो गुना तीन गुना उनचालीस, दो कितना बार आया, दो आया दो बार, तीन गुना उनचालीस, यही आपका हो गया राइट आंसर।
ऐसे एग्जाम में पूछेगा, यहाँ पे कोई और नंबर दे देगा। अब अगर एनसीईआरटी की बात करें, है ना, एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 4-5 सवाल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो आपको हम वादा किए थे ना कि हर एक एक सवाल आपको हम बताएंगे, इसमें तो खैर टेंशन लेना नहीं, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताने वाले, एक एक क्वेश्चन। चलिए तो अब हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पे, क्या लिखा, 38 और 25, इसको बनाना भाई। तो पहले कितना से काटेंगे, सबसे आसान तरीका, पहले हम इसको 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम 5 से काटते हैं, ठीक है ना, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 36, 5 5 25, फिर काटते हैं 5 से, 5 कम 5 बचेगा 16, 5 3 15, 5 5 25, फिर काटते हैं 5 से, तो 5 2 10, 5 7 35, है ना, और 5 2 10, 5 7 35, फिर 3 से काटते हैं, 9 3 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 लीजिए, ये आपको है ना पूरा कट के यहाँ पे दिख रहा। तो यहाँ 5 7 35 ठीक कटा, 5 कम 5, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ ना, एक मिनट, 5 कम 5 2 बचेगा ना, 26, 5 5 25 और 5 3 15, और यहाँ पे 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 1 3, 17 3 51, मिस्टेक हुआ था वहां पे काटने में, तो ये अब हो गया, ये मैंने काट दिया। अब क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बताइए, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 5 5 3 3 17, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, 5 कितना बार है, 5 है 2 बार, 3 1 बार है, 3 2 बार, 3 3 ना गुना 17, 3 है 2 बार गुना 17, ये क्या हो गया आपका आंसर, हो गया, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं आराम तरीके से। इसके बाद हमारा क्या है, चलिए अब हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर देखें, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ये है, ये तो सवाल पूछा है, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसका इसको इग्नोर मत कीजिए, सवाल पूछा बहुत बार है ना, 5005, 5 से काटेंगे, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, फिर काटेंगे कितना से कटेगा, 11 से 11 99 11 कम 11, फिर 13 से 91। सवाल पूछा है क्या कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितना है, 1 2 3 4, ये सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव में, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बोलेंगे 4, बट यहाँ पे हम तो गुणनफल के रूप में लिखना है ना, तो लिखेंगे इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है भाई, 5 11 17 7 13, 5 11 7 13, यही क्या हो गया आंसर हो गया, बोलिए बन जाएगा। अब ये कंसेप्ट आपको सीख लेना है कि कैसे बनाने आ रहा, कैसे सवाल पूछा जा रहा, हमको कैसे बनाना है, है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, चलिए हम बताते हैं, क्योंकि हमने वादा किया था आपको हर एक सवाल बताएंगे इसमें, है ना। तो 7 4 2 9, इसको करते हैं फैक्टर, पहले तो हम कितना काट लेते हैं, 7 11 11 3 11 2 13 9 22, है ना, ये तो लगता कटेगा नहीं, ये इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट जो है ना इसको 23 से काटिए 23 से, ये थोड़ा सा अल्टर टाइप का है, आप 11 से फैक्टर करना, फिर 13 से करना, फिर 15 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, तो डायरेक्ट ये, हालांकि 17 से भी कटेगा, है ना, 17 से भी कटेगा, तो 23 से काटते हैं, 23 से काटेंगे 323 आएगा, फिर आप काट लीजिएगा 19 से, ठीक है ना, तो 17 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये पूरा टोटल यहाँ पर कट गया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, लिख देंगे इसलिए 1729 का, हमारे पास ढेर सारा जगह है, अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई, 23 गुना 19 गुना 17, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1 अगर लिख भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके चलिए अब भी आगे लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया एक सवाल हो गया,
ये हमारा दूसरा सवाल आ गया। दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, पूर्णांक के निम्न पूर्णांक जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये हम पे मतलब 1.2 में जो दूसरा सवाल है ना उसे एक सवाल दो सवाल, अच्छा हम सुधार देंगे, तीन सवाल चार सवाल तीन सवाल दिया हुआ, तो इन तीनों सवाल को करेंगे आसान तरीके से। आइए बनाते ध्यान से, कॉपी कलम निकाल लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। खैर अभी देखिए, अभी मैं एक सवाल बता रहा हूँ, तो इसी टाइप का दो तीन सवाल और दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो, आपको कंसेप्ट सीख लेना, कंसेप्ट कैसे बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये बदल दे, है ना, इसका शक्ल बदला जा सकता है, यहाँ पे 26-91 यहाँ पे कुछ और दे देगा, तो आप फिर बाद में बोलिएगा ना सर एक किताब से सवाल नहीं पूछा, मैथ में मैथ अनलिमिटेड है, मैथ अतः गहराई है, कोई भी नंबर बढ़ सकता है घट सकता है, इसलिए आपको कंसेप्ट समझना है। तो बोलता है क्या, एचसीएफ और एलसीएम तो पहले ज्ञात करना है ना, और जांच भी करना कि दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ एलसीएम बराबर है कि नहीं, जांच करना है। चलिए भाई तो हम जांच करते हैं, पहले हम क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो इसको करते हैं सॉल्व, पहले करते हैं 26 को करेंगे फैक्टर, देखिए 2 से काटेंगे 13 दूना 26, अब तो 1 से तो हर नंबर करता है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर 91 को देखेंगे, 91 कैसे काटेंगे 13-7-91 का लीजिए 13-7-91, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा चूंकि ऐसा देख 26 का क्या क्या है फैक्टर 2×13 आया, और 91 का क्या फैक्टर आया है 7×13 आया। ओके अब क्या करते हैं, आप एक लाइनिंग डालते हैं, लाइन डाल दिए, लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या लिखे एचसीएफ, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कॉमन, देखिए 13 इसमें 13 और इसमें 13 दोनों क्या नंबर जो मैच कर रहा, दोनों देखिए कौन सा नंबर जो दोनों मिल रहा, तो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, वही 13 जो मैच करता है ना वही होता है एचसीएफ, तो हमारा क्या हो गया एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम क्या करेंगे है? तो देखो 13 तो जो मैच करेगा वो तो लिखना ही लिखना है ना, यहाँ पे लिख लिया 13, उसके अलावा जो मैच नहीं कर रहा वो भी लिखना है 2×7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 13×26×7 42, तक्षक 42 को 2×5=4, 14×4=182। एलसीएम कितना आ गया 182 इसका आ गया एलसीएम। अब हमारा एलसीएम एचसीएफ आराम से ज्ञात हो गया। अब सवाल इसमें दो क्वेश्चन पूछा है कि एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात हुआ पता चला, और फिर क्या बोलता है सत्यापन करना है, जांच करना है। चलिए तो हम जांच करते हैं ना, इसके हम जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच करते हैं, क्या जांच करने बोल रहा है कि दो संख्या गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं भाई। तो दो संख्या क्या यहाँ पे है, दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या कौन कौन है, एक है यही तो है भाई, कहाँ गया 26-91 है, 26 है और 91 है। एलसीएम एचसीएफ कितना है 13 आया, एक मिनट 13 है और एलसीएम कितना 182 है। ये जब आप दोनों को गुना करोगे ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 23-66, इधर भी आएगा 23-66, गुना कर दो। अब ये क्या हो गया सत्यापन हो गया, सत्यापन हो गया, जांच हो गया है ना, प्रूव हो गया कि हाँ भाई कि दो संख्या जो गुणनफल गुना किए वो दोनों संख्या गुना और जो एलसीएम में से ज्ञात किए उन दोनों का गुना जो है दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यही सवाल आपसे पूछा जा रहा कि सत्यता की जांच भी कीजिए। अब अगला सवाल देखिए, इसी तरह सवाल दिया हुआ यहाँ पे, इसको मैं सुधारता हूँ थोड़ा सा, ये देखो कैसे बनाएंगे, सेम कंडीशन सेम तरीका बनाना है। पहले पहले बार क्या करेंगे यहाँ पे, पहले पहले बार क्या करेंगे कि 510 को करेंगे फैक्टर, काट लीजिए पहले 2 से काट रहे हैं,
दो दूना चार, दो पचे दस, दो पचे दस, फिर काटेंगे पांच से, पांच पचे पच्चीस, पांच एकम पच्चीस, 17 3 51 कट गया। फिर 92 देखिए, 92 काटते हैं, एक मिनट इसको मैं, 92 काटे दो से, तो दो चौक आठ और दो छक 12, फिर काटेंगे दो दूना चार, दो तिया से, अब तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं भाई कि 510 को जो फैक्टर किए हैं, 2 5 3 17, 2 5 3 और 17 आया। फिर 92 को जब आप कट किए हैं, फैक्टर निकाले, तो दो कितना बार आया, देखो दो कितना बार आया, दो जो आया दो बार आया, 27। चलिए मैं दो कितना, दो दो गुना दो गुना 23, ठीक है, इतना आपके पास पहुंच गया है। अब देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए ताकि गड़बड़ ना हो, ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन डालता हूं मैं यहाँ पे, देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालना है, अब लिखेंगे एलसीए एचसीएफ। देखिए एचसीएफ मतलब क्या समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में कॉमन है। तो देखिए कौन सा नंबर जो दोनों मैच कर गया, दो यहाँ दो यहाँ, देखो क्या समझो, यहाँ दो दोनों मैच कर गया, और कोई नंबर है जो मैच कर रहा, बोलिए और कोई नंबर है, तो बोलेंगे सर कोई नंबर तो और है नहीं जो मैच कर रहा, तो बिल्कुल कोई नंबर नहीं, तो दो मैच किया वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, जो मैच कर गया उसको लिखिए, अभी मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ाया, जो जो नंबर मैच कर गया उसको यहाँ पे लिख लीजिए, लिख लिए। और फिर उसके बाद मैंने बोला था जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिख दीजिए, तो यानी कि ये दोनों तो मैच कर गया, देखिए ये दोनों को तो मैच कर, इसको तो लिखना नहीं है, बाकी जो मैच नहीं कर रहा उसको भी लिख डालना है। लिख डालिया हो क्या, 5 3 17, 5 3 17, और ये भी तो है ना, 2 3 मैच यही ना किया है, इतने 2 3 मैच किया, 2 23, तो 2 28, 2 और 23, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको गुना कर देंगे, कितना आ गया इसका लंबा गुना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको गुना करता हूँ शॉर्ट में, है ना, देखिए 5 दुना 10, एक मिनट, 17 51, 51 देखे 510, 28 दुना 46, ठीक है, तो 510 गुना 46, 23 460 आ गया, है ना, वही आंसर भी दे रहा है, 23 460, 23 460 ये हो गया। आप एलसीएम अगर गुणा ना कर लीजिएगा, अब यहाँ पे करते हैं जांच, ठीक है, आपको बेसिकली क्या करना है, समझना है इसको कैसे बनाना है, जांचना है। अब आपके एग्जाम में ना जांच करने वाला बहुत कम देता है, डायरेक्ट बोलता है कि इतना और इतना का एलसीएम ऐसे आप ज्ञात कीजिए, बस तो ऐसे बनाना है। अगर बोलेगा सत्य कि जांच कीजिए तो जांच कर लेंगे, अब जांच करो तो दो संख्या गुणन पर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला लिखे हम, ये भी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। पहला संख्या कितना है, 510 है, और दूसरा संख्या कितना है, 92 है, और यहाँ कितना है एलसीएम, कितना है, दो आया और दो है ना, एचसीएफ ना दो है, और कितना है 23 460। तो हम जान रहे हैं कि दोनों बराबर होगा हर हाल में, जिस दो नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं उन दोनों का गुणनफल, और जो एलसीएम एचसीएफ निकाले उन दोनों गुणनफल हमेशा बराबर होगा, हम इस बात को जान रहे हैं, आप मान लीजिए होगा ही बराबर हर हाल में। तो भाई हम क्या करें, सबसे आसान कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आएगा, 0 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6 2 2 4, है ना, इधर भी तो नहीं आने वाला है, तो 46 920 ये होगा, इसको बोलेंगे सत्यापित हो गया, सत्यापित है ना, या प्रूव्ड लिख सकते हैं कि मेरा प्रूव्ड हो गया, क्लियर। अब इस तरह से एक सवाल और दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, एक सवाल और दिया इस तरह से, आइए चलिए अब देखते हैं इसको भी, अब ये तो बना लीजिएगा, मेरे ख्याल से हर बंदा बनाएगा इसको, क्या अब वीडियो को रोक के पहले, अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले इसको बनाइए, है ना, अगर आपने सीख गया है तो इसको खुद से बनाइए, है ना, ये मैथ की कसम आपको, खुद से बनाइए। चलिए वीडियो रोक लीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, आइए अब कैसे बनाएंगे इसको, 336 को पहले करेंगे फैक्टर, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, और 2 4 8, 2 2 4,
इक्कीस दूना 42, 21 हो गया, 54 को करेंगे फैक्टर, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 9 तिया 27, 3 तिया 9 हो गया, क्लियर। अब इसको इतना जब कर लिए, अब क्या करें, फास्ट आप आते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं जो है 300, यहाँ तो जगह नहीं बच रहा, 336 में क्या क्या आया है, दो कितना, अच्छा दो कितना बार, एक दो तीन चार, चार बार आया, दो गुना एक दो तीन चार, फिर तीन आया एक बार, फिर सात आया, और कितना 54, 54 में कितना, दो तीन 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 तीन, दो तीन तीन तीन। अब बताइए आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एल इसलिए आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या करना है, एचसीएफ में जो मैच कर रहा है, मैच कौन कौन कर रहा है, देखिए कौन कौन मिल रहा है यहाँ पर, ये दो दो मिला यहाँ पे, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि सामने सामने मिले, तिरछा इस लाइन में से इस लाइन में कोई कोई नंबर कहीं से मिल जाए बस, तो देखिए दो दो यहाँ से मिल गया, और तीन देखो एक एक तीन यहाँ है और एक तीन यहाँ, ये दोनों मिला लिए, तो दो मिला और तीन मिला है ना, तो दो और तीन यहाँ पे लिख लेंगे भाई कि दो और तीन मिल गया, तो तीन दूना छः क्या हो गया, ये हमारा एस सी एफ हो गया, ओके। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला, याद करो, जो नंबर मिल गया उसको तो लिख लेना है, जो मिल गया है यानी कि जो एस सी एफ में देखो ई दोनों मैच किया था, ई दोनों मैच किया, इसको तो हर हाल में लिखना है, जो नहीं मिला उसको भी लिख देना है, यानी कि इसके अलावा जो बच रहा उसको भी लिख देना है दोनों में जो जो है। तो भाई मैंने अभी तो दो और तीन तो मिला था, लिख दिया, अब ई सब नहीं मिला था ना, ई नहीं मिला था, दो गुना दो गुना दो, सात भी नहीं मिला था ना, और यहाँ पे से तो एक तीन मिला था, दो गो तीन बाकी था ना, तीन गुना तीन, बाप रे, गुना कीजिए इसको, तो गुना करते हैं, दो दूनी चार, दो तीन छः, छः दुना बारह, बारह दुना चौबीस, चौबीस दुना अड़तालीस, अड़तालीस है, तीन तीन नौ सौ तिरसठ, और आठ तेरह चौबीस का चार बचा दो, चार तेरह बारह तेरह चौदह, आठ छः अड़तालीस का बचा चार, छः चार चौबीस चार अट्ठाईस, चार छः आठ चार बारह, तीस चौबीस, ठीक है ना, तीस चौबीस आपका आ गया, तो ये बोलेंगे भाई तीस चौबीस हमारा क्या हो जाएगा। अब जांच करना है ना, अब क्या करना है, जांच करना है, तो छोटा करते हैं, चलिए अब जांच करते हैं, तो जांच में क्या बोला, दो संख्या गुणनफल, गुणा कीजिए, तीन सौ छत्तीस चौवन को गुणा कर दीजिए, 336 गुणा चौवन, और यहाँ एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 6 गुना 30 24, अब जान कि दोनों बराबर होगा हर हाल में होगा, तो इतना वाला गुना करने से अच्छा है कि हम पहले इधर वाला गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 6 दुना 12 13, 14 का 4 बचा 1, और 0 एकम 6 18 इतना गया। अब जाने इधर वही आने वाला हर हाल में ही आएगा, 181 और 44, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यता की जाँच हो गया, समझ आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल तो 100% आ गया, सबको बनाने आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला स्लाइड हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए कुछ यूं है उसी टाइप का सवाल, बस देखिए बस सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए क्या बोला है, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए, वही तरीके से गुणनखंड विधि से आभाज गुणनखंड जो भी बना रहे थे ना, जो फैक्टर कर रहे थे, वही तरीका है आभाज गुणनखंड विधि से। चलिए तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं, है ना, सोल्व करते हैं, 12 का करते फैक्टर, करेंगे दो छक 12, दो तिया 6, 15 का करेंगे फैक्टर, 5 तिया 15, और तो कटेगा नहीं, 91 को कर, एक से काट सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए काटो हटाओ, 13 से 91। अब यहाँ पे लिख लेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे कि 12 का फैक्टर कितना आया, देखो दो दो तीन, दो गुना दो गुना तीन आया, और 15 का फैक्टर क्या आया, तीन गुना पाँच आया, और यहाँ 91 का फैक्टर क्या आया, सात गुना 13 आया। अब आप तो आराम से निकाल लीजिएगा एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। चलिए तो हम यहाँ मानते हैं, इसलिए एचसीएफ, बताइए कौन नंबर है जो दोनों में कॉमन हो रहा है, इसमें कौन सा संख्या है जो दोनों में मैच कर गया, दोनों में जो मैच करे, कौन सा नंबर जो दोनों में मैच करे, 13 से 91, 91 ही है ना, तो कुछ और है, 12 15 91 लिखा हुआ है, किताब मुझे देखने दीजिए, शायद किताब में क्वेश्चन कुछ और है, शायद एक मिनट, वन पॉइंट टू ना,
21 है, सॉरी यहाँ पे किताब के अनुसार इसमें जो है 91 नहीं बल्कि 21 है, ठीक है। तो आप इसको 21 कर लीजिएगा। एक मिनट मैं इसको पहले वाइट करता हूँ पूरा। यहाँ पे 21 कीजिएगा क्योंकि आपके किताब के अनुसार फिर आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मिस टैप था, यहाँ पे यहाँ पर 21 होगा। चलिए तो अब यहाँ पर 21 को काटेंगे, मुझे मिला कि यहाँ पे मिस्टेक था, सत्य 21 है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया 21 का फैक्टर हो गया। तीन गुना सात, तब एस एफ निकालेंगे। इसमें क्या मैच कर गया, देखिए एस एफ में क्या मैच कर रहा, यहाँ पे देखो तीन एक तीन इसमें भी है, एक तीन इसमें भी, एक तीन इसमें भी है, तो तीन तो दोनों आ ही गया है, तो जब दोनों आ गया तो दोनों में एक एक तीन मैच कर गया, तो तीन यहाँ पे लेंगे, ये हमारा एस एफ हो गया। और एलसीएम, एलसीएम मैंने क्या बोला, जो मैच कर गया उसको तो लिख ही लो, तो तीन तो मैच किया, तीन यहाँ पे लिख लेंगे। और मैच क्या ना किया, दो दो, ये दोनों मैच नहीं किया ना, तो दो दो लिखा गया यहाँ पे। और क्या मैच नहीं किया, फाइव मैच नहीं किया, सेवन मैच नहीं किया, फाइव और सेवन नहीं मैच किया, ठीक है। अब देखिए हमारा गुना का तरीका क्या है, हम ऐसा गुना करें जो लास्ट में जीरो आ जाए, तो हमको गुना करना बड़ा आसान होता है। देखिए अगर मैं पांच, देखो दो दो चार, चार पचे बीस आ गए, ठीक है, और सत्य 21 आ गया। अब इसको गुना करना आसान है ना, 21 गुना 42 420, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कैसे गुना हुआ, देखिए। और आसान करते हैं यहाँ पे, और आसान करते हैं, देखिए तीन दुना छः, छः दुना बारह, बारह पचास साठ, छक्क 42, 420 है ना, ये क्या हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे एलसीएम इससे का आपके पास आंसर आ गया। उसी प्रकार 17 23 29 यहाँ पे दिया हुआ है, 17 23 29, टाइपिंग में मिस्टेक है यार, तो सुधार लेते हैं। 92 यहाँ पे 29 है ना, ठीक है, ये 29 होगा। चलिए तो अब इसका निकालना है, 17 23 29 का निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दिया आंसर, अब बताइए 17 को कैसे काटिएगा, 17 तो काट नहीं पाएंगे यार, तो चलो 17 का फैक्टर हम लिखते हैं, 17 गुना एक ऐसे लिख लेते हैं, और क्या 23 का फैक्टर क्या लिखें, 23 गुना एक, 29 का फैक्टर क्या लिखें, 29 गुना एक, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एचसीएफ क्या मैच कर रहा है, वन तो मैच कर रहा है, ये वन हो जाएगा इसका आंसर। एलसीएम में एलसीएम क्या जो मैच नहीं कर रहा, 17 23 और 29 ये मैच नहीं कर रहा। और जब इसको आप गुना कर देंगे 17 23 29 को, तो आ जाएगा 11 349, 11 340, ये आपका राइट आंसर होगा। तो गुना कर लीजिएगा आराम से आपके पास आ जाएगा। इसी तरह एक सवाल और देवा है, 8 9 25, मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं ना, टाइपिंग वाइटिंग वाइपिंग, हाँ ठीक है भाई, 8 9 25 एकदम परफेक्ट सवाल है। अब इसको आप वीडियो रोक के खुद से बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे आराम से बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि जो शुरू से देखते आ रहे हैं आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए हम भी सोल्व करते हैं भाई, आप भी सोल्व कीजिए, 8 को फैक्टर करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ये वाला लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हो, मैं इसे लिख देता हूँ, 4 2 8, 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25। अच्छा आप चाहते हैं सर एक से भी काट दीजिए, चलो हम एक से भी काट देते, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए ऐसे काट लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी काटेंगे तो कोई हर्जा नहीं होना। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 का फैक्टर क्या आया, 2 2 कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यहाँ पे 9 का फैक्टर 3 गुना 3 गुना 1, 25 का फैक्टर 5 गुना 5 गुना 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखते क्या, इसलिए एचसीएफ क्या मैच कर रहा, कौन सा नंबर जो मैच कर रहा, तो मैच कर रहा यहाँ पे 1, तो 1 हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम में कौन नंबर मैच नहीं कर रहा, देखो जो मैच नहीं लिख दो, 2 2 2 तो मैच नहीं किया, 2 गुना 2 गुना 2 मैच नहीं किया, फिर 3 गुना 3 मैच नहीं किया, फिर 5 गुना 5 मैच नहीं किया, लिख देंगे 2 2 4 4 2 8 8 24 24 24 72 72 5 5 25, 72 5 5 5 0 10, 1 7 5 360 और 5 0 6 5 30, 5 15 16 17, 1700 दो दुना एक मिनट 2 2 4 8 8 24
चौबीस तीन बहत्तर, पाँच गुना दस की जीरो बचा एक, पच पचे सत पच छत्तीस गुना पाँच जीरो, छः पचे तीस गुना पचे तीन अठारह हो ना, अठारह सौ सत्रह लिख गए, अठारह सौ ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके तो एलसीएम सब ज्ञात हो गया हमारे पास, क्लियर। चलिए अब अगला सवाल देख क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है, आई दोनों का एलसीएम दे दिया नौ, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम कितना है नाइन है। उसी प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ये बड़ा आसान सवाल है, इसको कैसे बनाते देखिए। पहले देखें यहां पे लिखते हैं, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 306, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 657, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना हमको, तो इसलिए हमको क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है ना, अब बटे क्या लिखेंगे एचसीएफ, तो पहली संख्या कितना है 300 और दूसरी 657, एचसीएफ कितना है 9 है, 9 से काट देखिए, 9 से कटेगा मेरे ख्याल से डायरेक्ट, 9 तीय 27 9 चौक 36 ना कटेगा, 9 से 9 तीय 27 9 चौक 36 34 गुना 657, इसको मल्टीप्लाई कर दो और क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 3 38, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, क्लियर। तो ऐसे सवाल आपको आएगा एग्जाम में, आराम से बना देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस थोड़ा सा अलग अगला क्वेश्चन हट के दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका भारतीय भवन में ना, यहाँ पे 6 पर पावर एन दिया ना, भारतीय भवन किताब में 4 पर पावर एन लिखा हुआ, बड़ा आसान तरीके से कैसे बनाएंगे इसको देखिए। पहली बात ये बोलता है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, यानी कि 6 पर पावर 1 लिखेंगे n, n मतलब यहाँ पे n का पे नंबर बदलेगा 1 2 3 4 5, तो क्या 0 आ सकता है, अब सोचो 6 पर पावर 1 है तो 6 कम 6 1 आ रहा, 6 पर पावर 2 है तो 6 गुना 6 36 आ जाएगा, देखिए 0 लास्ट टाइम 0 आ रहा, अंत में अंक 0 पर समाप्त होगा, देखो 0 आ रहा लास्ट में ना रहा ना, इसका 6 पर पावर कुछ भी लिखते चल जाए 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसको कैसे जांच करना है ये समझना हमको। चलिए तो हम यहाँ पे क्या इसको शॉर्ट में बनाते हैं, बनाने तो काफी लंबा आएगा, हम इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने आपको मैंने पहले से बनाया है। देखिए 6 का पहले जो कुछ दिया है इसका आभाज गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम लिखें देखो यहाँ पे लिखा चूंकि 6 पर पावर एन लिखा हो तो लिखेंगे इसलिए 6 पर पावर एन का आभाज गुणनखंड, तो इसका आभाज गुणनखंड क्या हो सकता है, 6 को तोड़िए 2 गुना 3 पावर एन है ना एन पावर। अब आभाज गुणनखंड को गौर से देखिए, आभाज गुणनखंड में अगर इस आभाज गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, कितना बड़ा संख्या रहे यहां पे 5 और उस संख्या में 2 और 5 अगर आ गया तभी वो 0 हो सकता है लास्ट में। आप कोई भी नंबर आजमा लीजिए, जैसे कि यहां पे कोई भी 6 गुना 5 गुना 3 9 12 कुछ, अब देखिए 2 आ गया और 5 आ गया तो 5 दुना 10 तो हो जाएगा ऑलरेडी, बाकी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो लास्ट में 0 आना जरूरी है, तो इसी बात को यहां पर हमको लिखना पड़ेगा डिफाइन करके। ओके हम यहां पर लिखेंगे है ना 6 पर पावर एन अंक 0 पर समाप्त हो सकता है जब इसका कंडीशन क्या है, 6 पर पावर एन 0 पर समाप्त हो सकता है लेकिन कंडीशन है जब इसका अभाज गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर एन, बाकी पावर कुछ भी रहे के रूप का हो। देखिए तो देखिए जब 6 पर पावर एन को तोड़े कितना आया 2 3 आया,
और बोलता कि जीरो पर समाप्त होगा कब, लेकिन जब समाप्त कब होगा, जब ये दो और पांच रहना जरूरी है, तो यहाँ तो दो पांच है नहीं, है नहीं है ना, तो बोलेंगे कि अतः यह जीरो पर समाप्त नहीं होगा, बस लास्ट में ही कर लेंगे, अतः सिक्स पर पावर एन शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ये आपका हो गया पांच नंबर सवाल, डील हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए छठा सवाल है और एक सातवां सवाल भी है, बड़ा आसान है। छठा क्या है, बोलता है व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, ये बताना है। भाज्य संख्या होने का नियम क्या होता है, जैसे कि कोई मैं बोलूं कि भाई चार भाज्य संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, क्यों है, तो बोलेंगे चार सर एक से भी कटता है, खुद से भी कटता है और दो से भी कटता है ना। उसी प्रकार अगर बोले हम कि पंद्रह भाज्य संख्या, तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि ये एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी कट जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह जज करना है, क्या यहाँ पे सही है। चलिए तो वन, ये दो क्वेश्चन दे दिए अलग अलग, तो चलिए पहले हम उतारते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस तेरह, यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, देखो तेरह यहाँ इस देखो ये एक में है और ये अलग है, क्योंकि प्लस आ गया ना, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये इसमें देखो इसमें तेरह मैच करेगा, इसमें तेरह मैच नहीं है, क्या यहाँ पे है सात गुना ग्यारह रह गया, प्लस यहाँ पे वन बच गया ना, तेरह तो कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, देखो ध्यान से मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एक में है, जब प्लस माइनस बीच में आ जाए तो वहां से उसका पद समझो चेंज हो जाता है, तो ये एक पद में है और ये अगला टर्म है, तो इसमें से तेरह मैच किया, इसमें से तेरह मैच किया, इसमें जब तेरह मैच किया तो सात ग्यारह बच गया, यहाँ पे केवल वन बचा। अब देख लीजिए यहाँ पर तेरह है, ग्यारह सत्ताईस सतहत्तर और प्लस एक, तो तेरह गुना क्या हो गया अठहत्तर। अब देखिए अभी हमने बनाया है तो दो अभाज्य गुणनखंड आ गया, जिसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम दो आ जाए क्या भाज्य नहीं होगा। अगर हम सोचो अगर हम सेवन करें, सेवन का क्या तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड, सेवन तो किसी से कटेगा नहीं, वन तो हर कोई हर संख्या वन से तो करता है, खुद से करता है, तो सेवन का अभाज्य गुणनखंड कहां से आएगा। अगर हम लिखते पंद्रह, तो पंद्रह का तीन गुना पांच आ जाता है, तो पंद्रह का देखिए कम से कम दो अभाज्य गुणनखंड आ गया, तो जिसका कम से कम दो भी अभाज्य गुणनखंड आ गया बोलेंगे हाँ ये भाज्य है। तो यहां पर लिख देना है अतः यह भाज्य है, क्योंकि इसके क्या लिखते हैं दो अभाज्य गुणनखंड है। दो अभाज्य गुणन मतलब यहां पे ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर यहां पे दो भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा इसको आप ऐसे भी, क्योंकि इसके अब इसके यहाँ पे चेंज कर दें, क्योंकि इसके गुणनखंड वन को छोड़ के, क्योंकि एक से तो हर कोई है ना, वन को छोड़कर वन को छोड़कर इसके अभाज्य गुणनखंड वन को छोड़ के तेरह गुना अठहत्तर है, बस इतना भी लीजिए चलेगा, है ना, ये हो गया। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, तथा दूसरा क्या सात गुना छह गुना पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक प्लस पांच, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे फाइव कौन हो जाएगा, तो बचेगा सात गुना छह गुना चार गुना तीन गुना दो, यहाँ पे क्या बचेगा वन। यहाँ पे मैं प्लस का साइन क्यों लिखा हूँ, गुना कीजिए यहाँ पे सच्छक बयालीस, और सबसे आसान उसका होगा, कुछ नहीं आसान होगा, सच्छक बयालीस 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 चौक चार दुनिया आठ चार चौक सोलह तीन दुना छः अच्छा अड़तालीस का आठ बचा चार छः चौक छः चौक छत्तीस चार जीरो बचा चालीस छः कम छः चार दस, देखिए एक हजार आठ आ गया प्लस वन आ गया।
कितना आ गया? 1009 आ गया। तो इसको एक तो सबका होता है भाई, है ना, एक तो आभाज गुणनखंड सबका होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जब तोड़े तो दो दो ठो आभाज गुणनखंड आ गया, तो यहाँ पे वही बात लिख दीजिएगा, है ना। अतः यह भाज्य है क्योंकि इसके गुणनखंड 1 को छोड़कर पांच गुना 1009 भी है। इतना लीजिए काफी है। क्लियर, समझ में आ गया सबको एकदम एक एक पॉइंट। अब आखिरी सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बड़ा आसान है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों का स्थान एक ही समय पर मिलने के लिए क्या हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, दोनों का आप निकाल दिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकलेगा वही आपका आंसर आएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या है, सोनिया को है ना एक चक्कर लगाने में क्या लगता है 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। हो गया, अब हम क्या करें, दोनों कैसे निकाल, इसलिए निकालते हैं यहाँ पे, इसलिए 18 को फैक्टर करते हैं, 18 को यहीं पे लिखते हैं, तोड़ के डायरेक्ट लिखते हैं, 2 × 3 × 3 होगा ना, तोड़ेंगे तो, और 12 को 2 × 2 × कैसे टूटा, फैक्टर किया अभी, जैसे अभी फैक्टर किया ऐसे करके, ऐसे 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 करके तो फैक्टर किए। अब यहाँ पे लिखें क्या, इसको निकालें, हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, जो मैच किया उसको तो लिख देना है, दो दो मैच किया लिख देंगे, तीन तीन मैच किया लिख देंगे, और जो मैच नहीं किया उसको भी लिख देंगे, 2 × 3 6 6 × 3 18 18 × 36 36 मिनट तो लिखे यहाँ पे, इसलिए क्या बोला, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसलिए वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 1.2 एक्सरसाइज, जो है एकदम अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। तो हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 8210 42 32 00, ये हमारा मोबाइल नंबर है, इसे मैसेज कीजिएगा, आपको एक लिंक भेजेंगे हम, और उस लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में चैनल में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला सवाल हमारा वही था कि सिद्ध करें कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट फाइव को मैं सिद्ध करूंगा तो आपको ध्यान से सीखना है, क्योंकि रूट फाइव के बाद आपको रूट टू बनाना, खुद से रूट थ्री खुद से बनाना है, रूट फाइव रूट सेवन खुद से बनाना है। तरीका क्या होगा, ये थोड़ा हल्का सा लेंदी टाइप का तरीका है, थोड़ा पेचीदा हल्का सा है, बट दो तीन चार बार प्रैक्टिस जब करोगे ना तो ये आसान लगेगा आपको। और याद रखिए, हर बार हर साल एक सवाल पूछ लेता, लगभग कभी कभी मिस लगता, लेकिन हर साल मैंने देखा है कि एक ने एक सवाल पूछ लिया है। तो कैसे बनाना है, इसको शुरू करते हैं। तो पहले यहां पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर अगर सिद्ध कीजिए कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या करना है, इसको परिमेय मान लेना है। ओके, लिखते हैं पे, माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है,
आपको मान लेना है, ये शायद हो सकता है दो पेज में चल जाए ये लॉन्ग था बनता है। माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या, मान लेंगे जो परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है तो हम बोल सकते इसलिए जो यहाँ पर रूट फाइव है वो क्या होगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, एक लाइन लिखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बाई क्यू जो भी परिमेय संख्या होगा वो पी बटे क्यू के रूप में होता है। और आपको मालूम क्यू तो लिखेंगे यहाँ Q is not equal to zero. Q zero के बराबर नहीं होना चाहिए तभी परिमेय संख्या हो सकता है ना। परिमेय संख्या कब होगा, जब कब, जब Q zero के बराबर नहीं होगा तभी वो परिमेय संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे ये लिख लिया, फिर लिखेंगे है ना P तथा Q का गुणनखंड वन है ना। यहां पर Q जो जीरो के बराबर नहीं है और P और Q का गुणनखंड कितना है, वन है। P और Q कितना गुना हो रहा, P और Q कितना से मल्टीप्लाई हो रहा, P भी वन से मल्टीप्लाई हो रहा, Q भी वन से ही मल्टीप्लाई हो रहा, तो इसलिए दोनों का गुणनखंड क्या हो गया, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, वन हो गया। इसको बोल सकते हैं सह अभाज्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना जब लिख दीजिएगा तो अब क्या करना होगा हमको, लिखेंगे अब लिखेंगे अब वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कैसा होगा, रूट फाइव का वर्ग करेंगे और पी बाई क्यू का भी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। रूट फाइव का वर्ग कितना होता है, पांच होता है ही, और पी का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहां पे बाबू, देखिए पांच के नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो पी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब फाइव को इससे करना है फाइव क्यू स्क्वायर, यही पे हमको दो लाइन लिखना है जो कि बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। देख रहे हैं अगर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में थ्री रहेगा तो थ्री थ्री, पांच घर पे तीन तीन आएगा, सेवन रहेगा तो पांच घर पे सेवन सेवन लिखाता जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बात समझिए, पी स्क्वायर फाइव क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया, इससे हम यही मतलब निकाल रहे हैं ना कि पी स्क्वायर जो है फाइव क्यू स्क्वायर के बराबर। अगर मैं बोलूं भाई कि नौ का स्क्वायर जो है वो तीन गुना ऐसे मैं बोल दूं, अगर मैं ऐसे बोलूं क्या ये बराबर है, बोलिए बिल्कुल बराबर है, नौ स्क्वायर और तीन गुना नौ गुना तीन ये भी बराबर है, इसका भी एकासी इसका भी एकासी आएगा। इसका मतलब ये हो रहा कि ये वाला जो है इससे तीन से भी कट सकता है, कटेगा कि नहीं कटेगा, नाइन से भी कट सकता है, पूरा पूरी तीन से भी कट सकता है, और चाहेंगे तो सबसे एक बार में कट जाएगा। यहां पर भी यही बात समझना, आपको समझने में क्या बोला, एक एग्जांपल और समझिए, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे फाइव का स्क्वायर सपोर्टेड ऐसे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पांच गुना पच्चीस, पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है ना, पांच गुना पांच यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे, ओके, मैं बोलता हूँ भाई ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा कि इस पांच स्क्वायर का फैक्टर है पांच गुना पांच, मतलब ये पांच से भी कट जाएगा और इससे भी कट सकता है और सबसे कट सकता है। ये यहां पर भी यही मैटर हो रहा कि ये जो पी स्क्वायर है पांच से भी कट सकता है, क्यू स्क्वायर से भी कट सकता है ना, तो हम लिखेंगे यहां पी स्क्वायर पांच से विभाज्य है, इसलिए जब पी स्क्वायर पांच से विभाज्य तो पी भी पांच से कटेगा। जैसे देखो पांच स्क्वायर को मैं बोला पांच गुना पांच, पांच स्क्वायर पांच से कटेगा, कटेगा ना, तो क्या पांच स्क्वायर में जो पांच पांच से नहीं कटेगा, क्या कटेगा ना, यही बात को यहां पर लिखना है, तो लिखें इसलिए पी भी पांच से विभाजित होगा। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा
है ना, इसको बनाने का तरीका फिलहाल मेरे पास यही है, सबसे बेस्ट यही लगता है। अब यहाँ पे हम आगे बनाते हैं, इतना काम करने के बाद एक स्टेप और करना है। अब करना है क्या, अब मानना है, अब माना कि m बराबर मान लेते हैं, m बराबर मान लो चाहे r बराबर मान लो, m बराबर मान लेते हैं 5, p बराबर ना, p बराबर मानते हैं 5m। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, p क्यों माने, p ही यहाँ पे लिख दिएगा है ना, जैसे p स्क्वायर बराबर आया ना p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर, जैसे हमने कहा फर्स्ट बोल दिया इसको, तो यहाँ पर 5 वाला है इसलिए 5m मानेंगे, m गैप पे r s t जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 5 ही लेकिन देना क्योंकि रूट 5 वाला बना रहे तो 5 लिखना है। अब क्या करेंगे, वर्क करने पे दो तो फिर वर्क करेंगे है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करेंगे क्या होगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा और 5m का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना, पी का स्क्वायर वर्क किया दोनों तरफ तो पी का स्क्वायर हो गया 5m का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। ऐसा काम करते हैं, पी स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया था 5q स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो इसके पे लिख देते हैं 5q स्क्वायर, और ये क्या होगा 5 × 5 = 25m स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, चूंकि ये वाला यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम लिखे हैं पी स्क्वायर का मान, ओके यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 5 × 5 = 25 कट जाएगा 5 से, मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 5m स्क्वायर। अब सेम कंडीशन यहाँ पे आ गया, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, सेम लिखना है यहाँ, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है 5 से विभाजित होगा। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर P और Q, P1 से गुना हो रहा था, Q1 से गुना हो रहा, P1 से कट रहा था, Q भी 1 से कट रहा था, और यहाँ पे P5 से विभाजित, मतलब P5 से कट रहा है इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ Q भी 5 से कट रहा, तो ये हमारा मैटर क्या हो गया, उल्टा हो गया। हमने माना था कि P और Q का गुणनखंड एक आना चाहिए, यहाँ पे P5 से कट रहा, Q5 से कट रहा, मतलब P और Q का गुणनखंड मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, आया ना, यहाँ पर P का गुणनखंड 5 आ गया, Q का भी गुणनखंड 5 आ गया, और शुरू हमने P और Q का गुणनखंड कितना लिखा था, 1 लिखा था, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसी को यहाँ पर लिखना है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, हल्का से छोटा, ताकि मैं लिखने आया, इस बात को लिख देना यहाँ पर, यहाँ P तथा Q का गुणनखंड पांच है, अतः हमारा मानना क्या हुआ, हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहीं पर लिखना है, और ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, प्रूव्ड हो गया। इतना काम करना होगा, 2 नंबर मिलेगा आपको, हर साल एग्जाम में सवाल पूछा है, तो आपको ये वाला काम ध्यान से बनाना। अब यहाँ पर रूट 5 के पे रूट 2 दे सकता है, जहां पे 2 देगा तो 2 करना है, पी बराबर 2m मान लीजिएगा, 3 वाला बोलेगा तो 3m मान लीजिएगा, बाकी सेम चीज लिखाएगा,
तो बन जाएगा। इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, और ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको शुरू में लग रहा हार्ड है तो 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आराम से बनाने आ जाएगा। आप एक बार एक काम करो, कॉपी निकालो, मैंने रूट 5 का बनाया, आप रूट 2 का बनाइए खुद से, रूट 3 का बनाइए, रूट 7 का बनाइए, रूट 11 का बनाइए, ये 4 बना लीजिए, डेफिनेटली है कि आपको समझ में आ जाएगा 100%। अब ये समझ में आ जाएगा, अब इसके आगे एकदम हलवा है, आसान से बन जाएगा। देखिए एक ये है, सिद्ध कीजिए कि 2+3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अपरिमेय संख्या, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वही काम करना है, बट इतना लंबा नहीं बनेगा, 100 बन जाएगा। ऐसा सवाल है ना, 100 बन जाएगा। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, हो गया। इस जब परिमेय संख्या मान ले तो क्या होगा भाई, इसलिए 3+2√5 जो होगा क्या होगा, पी बाई क्यू के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे लिख देगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, बस इतने लिख दीजिए, और कुछ आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे इतने लिख दीजिए। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर वगैरह नहीं करना, याद रखिए ऐसा सवाल दे, प्लस माइनस बीच में रहे, गुना रहे ना, उसमें परिमेय अपरिमेय मिला रहे ना, तो आपको एकदम शॉर्ट में बनाना है, इतने में आपको बन जाएगा ये। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए एक काम देखिए, यहाँ पे 3 परिमेय है, 2 परिमेय है, ये तो मिल के अपरिमेय हो गया ना, लेकिन 3 परिमेय 2 अपरिमेय और रूट 5 जो है वो अपरिमेय, 2 परिमेय 3 भी परिमेय, 2 भी परिमेय और रूट 5 अपरिमेय है, पी बाई क्यू का परिमेय है, तो हम क्या करेंगे, परिमेय परिमेय को एक साइड कर देंगे, अपरिमेय को एक साइड कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 पी बाई क्यू, 3 प्लस में जाके इधर माइनस कर देते हैं, अब देखो 2 गुना में जाके भाग बना देंगे उसको, इसका एलसीएम ले लें, नहीं तो पी बाई क्यू माइनस 3 और 2 गुना जाके बनेगा, भाग बनेगा। अब मुझे आप बताइए, आप ही खुद बताइए, ये क्या हो गया, आप परिमेय एक साइड हो गया, ये पूरा परिमेय आ गया, मुझे बताइए क्या आप परिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है, यस या नो, कभी नहीं हो सकता है, आप परिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। अब वही बात को यहां पर लिख देना है, सत्यापन हो जाएगा। देखेंगे क्योंकि क्योंकि रूट 5 एक क्या है, आप परिमेय संख्या है, तथा पी बाई क्यू माइनस 3 बाई 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, हो गया। तो लिखेंगे इसलिए, अब जब बताओ ई हो गया परिमेय, ई हो गया परिमेय, तो लिखेंगे इसलिए रूट 5 जो है वो कभी बराबर नहीं हो सकता पी बाई क्यू माइनस 3 बाई 2 का, होगा कभी बराबर, कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय है, ये परिमेय, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे, है ना। अतः हमारा मानना इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूव्ड, ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आया। अब इसी टाइप का अगला भी सवाल बनाना होगा, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिया, 1/√2 दिया हुआ है, फिर 7√5 दिया हुआ, 6+√2 दिया हुआ, सेम ऐसे बनाना होगा, तो हम लोग बनाते हैं, शुरू करते हैं फास्ट में। आइए आप लोग आप जो है खुद से बनाइए इसको, रुक करके वीडियो को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है,
वन बाय रूट टू एक परिमेय संख्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए, जब हमने मान लिया तो क्या करना है, जब ठान लिया तो ठान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान है ना। तो बोलेंगे इसलिए वन बाय रूट टू जो होगा पी बाई क्यू के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतने करना है। अब क्या करेंगे आगे बाबू, अब एक सेट करेंगे, वन परिमेय है रूट टू अपरिमेय है, तो ऐसा करते ना देखो एक सेट कर लेते हैं, पहले क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, पहले क्रॉस गुना करते हैं, रूट टू को पी से गुना करते हैं, रूट टू को करेंगे पी से गुना, ठीक है, और क्यू को वन से गुना करेंगे। अब यहाँ पे जो पी है ना, पी को इधर भेज दीजिए, रूट टू बराबर क्या होगा क्यू बाई पी हो गया। अब हो गया एक साइड रूट टू अपर में, इधर पर में, यही बात को हमको लिख देना है यहाँ पर। चलो तो हमको लिखना पड़ेगा ये बात, यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है तथा क्यू बाई पी ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं भाई ये अपरिमेय हो गई परिमेय हो गई, दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकता ना, तो लिखेंगे इसलिए रूट टू जो है वो कभी बराबर नहीं होगा क्यू बाई पी का, बराबर नहीं होगा, अतः हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए क्या था वन बाई रूट टू एक अपरिमेय संख्या क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आया। ओके इस बात को ध्यान बनाएंगे, एग्जाम इसी तरह सवाल बनाना होगा आपको ध्यान से। अब देखिए इसका दूसरा सवाल क्या है, सेवन रूट फाइव है, सेवन रूट फाइव चलिए बनाते हैं इसको, क्या करेंगे मानेंगे ना, माना कि सेवन रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, मान लिए अपरिमेय संख्या, फिर वही काम करना होगा, चलिए सेम काम करना होगा, इसलिए लिखते हैं सेवन रूट फाइव जो होगा वो पी बाई क्यू के बराबर होगा। लिखेंगे जहां k इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब सोचो मैं क्या करूं, परिमेय परिमेय कौन है सेवन, परिमेय है सेवन को उधर भेज देते हैं, तो रूट फाइव तो यहां पे ऐसे रह जाएगा और p बाई क्यू है सेवन गुना जब क्या बनेगा भाग बनेगा, यानी कि सेवन क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को आप लिख दीजिए, यहां पर लिखते हैं चूंकि रूट फाइव क्या है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है तथा p बाई सेवन क्यू एक, ये क्या हो गया ये परिमेय संख्या है, लिख दिए। इतनी बात आप दोनों को ध्यान से लिख देना है। आप क्या करेंगे, लेकिन इसलिए कि जो रूट फाइव है वो बराबर नहीं होगा पी बाई सेवन क्यू का, नहीं होगा बराबर क्योंकि इधर अपर में उधर परि में, और परि में अपर में बराबर नहीं हो सकता है, तो लेकिन आता है हमारा मानना गलत हुआ, हम जो माने हैं वो क्या हुआ गलत हो गया, इसलिए क्या था सेवन रूट फाइव एक
आप परी में संख्या है ना, प्रूव्ड हो गया, क्लियर। तो ऐसे बनाना इन सभी सवालों को, 1.3 क्लियर हो जाएगा। हमारा एक सवाल और बच रहा है, सेम जो अभी बनाए थे हम लोग, एक सवाल बनाया था ना, सेम उसी टाइप का सवाल देखिए दे दिया है, बस प्लस में दे दिया पे, कुछ नहीं काम करना, सेम टू सेम वही काम होगा। देखिए क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। अब जब आप परिमेय मान ले तो क्या होगा, आप ही बताओ। जब आप परिमेय संख्या मान ले तो मतलब बोल सकते हैं 6+√2 जो है वो p/q के बराबर है ना, जहां लिखेंगे q ≠ 0, हो गया। अब ये जो 6 से जो 6 देख रहे हैं, 6 को इधर कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा भाई कि जो √2 होगा तो p/q, अब +6 जब क्या बनेगा, -6 बन जाएगा, हो गया। अब हमने क्या किया, इधर अपरिमेय हो गया, इधर परिमेय हो गया, तो बोलेंगे भाई साहब कि एक तरफ तो अपरिमेय है, एक तरफ परिमेय है, हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/q-6 ये क्या है, परिमेय संख्या है, अब जब इतना लिख रहे तो क्या होगा, अब हमने सारी बातें लिख दिया, लिखेंगे इसलिए कि जो √2 होगा वो कभी भी p/q-6 के बराबर में नहीं होगा, है ना, इधर मैंने काटा ना, हाँ इधर से में कभी बराबर नहीं होगा, तो लेकिन अतः हमारा मानना गलत हुआ, है ना, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 1.3 एकदम आसान तरीके से और इजी वे में आपको हम समझा दिए, सवाल यहीं पे दिया हुआ है, क्योंकि एक यहाँ पे जो देख रहे हैं ना चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कितना लगभग 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी 3 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है ना, इस तरह कर करके, और सभी में स्लाइड में पढ़ेंगे। सवाल क्या बोला गया, सवाल देखिए ये बोला जा रहा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत आवर्ती है, यानी कि हमको डिवाइड विधि यूज नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन हमको क्या कर, बिना लंबी प्रक्रिया भाग वाला विधि यूज नहीं करना है, हमको शॉर्ट से बताना है कि ये शांत है कि अशांत है, ओके, शांत है या अशांत है ये बताना है। कैसे बनाएंगे, चलिए पहला शुरू करते हैं, पहला सोल्व करते हैं, 1 वाला 13/31/25 है, ओके, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका यहाँ पे है ना, और वो तरीका क्या, हल्का हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हर में जो दिख रहा इसको हमको बनाना पड़ेगा, शांत आसान थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए p/q कोई भी नंबर p/q में जब लिखा हुआ होता है तो q देखिए जो कि क्या है, डोमिनेटर है, हर है, और इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको तोड़ने के बाद इसका फ्रैक्शन या तो 2 के फॉर्म में आए, या तो 5 के फॉर्म में आए, या 2×5 के फॉर्म में आए, पावर भी रहेगा तो चलेगा, mn है ना, mn पावर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के ही रूप में आएगा तभी हम बोलेंगे ये शांत है, अदरवाइज ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्यू को फैक्टर करना है, तो यहां पर मुझे करेंगे फैक्टर, हम यहां पे रफ पे जो फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो देखिए 31/25 को करेंगे फैक्टर, पहले 5 से काटते हैं, 5 × 36, 5 × 10, 5×25, फिर काटेंगे 5 से, 5 × 5, 5 × 10, 5×25, फिर काटेंगे 5 से, 25×25, 125, फिर काटेंगे 5 से, लीजिए तो 5 कितना बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया 5 बार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
तेरह बटा, इसको जब मैंने फैक्टर किया तो पांच पर पावर कितना आ गया, पांच आ गया, पांच पर पावर क्या आ गया, पांच आ गया। तो पांच पर पावर पांच जब आ गया तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको बराबर लिखते हैं, चूंकि इसके हर पांच पर पावर पांच है, ठीक है ना, इसका हर क्या है, पांच पर पावर पांच है, जो टू पर पावर एम इंटू फाइव पर पावर एन के रूप का है। अतः यह क्या होगा, अतः यह शांत आवर्ती, शांत है लिखते हैं, अतः यह क्या है, शांत है, इस फॉर्म में रहेगा तो हम शांत बोल देंगे। तो एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डील हो गया। ओके, इसको हम उठा के इधर लाते थोड़ा सा और अच्छा से, थोड़ा सा और इस ऐड कर लेते हैं, एक मिनट भाई। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बनाते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, सत्रह बटे आठ है ना, तो आठ को तोड़ेंगे, आपको पता है दो पर पावर तीन आएगा, आठ को तोड़ेंगे दो गुना दो में टूट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ही यही बात लिखेंगे, इसके क्योंकि इसके हर दो पर पावर थ्री है, जो टू पर पावर एम इंटू फाइव पर पावर एन के रूप का है, अतः क्या बोले, अतः यह क्या होगा, शांत होगा, अतः यह शांत है। कैसे शांत हुआ, अब देखिए हर को ध्यान से देखिए, हर को जब हर को ध्यान से देखते हैं, जब हर को ध्यान से देखते हैं तो देखिए पावर यहाँ पे हर जो है दो के ही रूप में आया है, यहाँ पे हर पांच के ही रूप में आया है, या तो दोनों के रूप में आएगा तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ओके, अब आगे आते हैं, इसको बनाते हैं, तो ये शांत हो गया, इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर करते हैं, 455 को पहले तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है ना, तब लिखेंगे ना। तो पांच से पहले काटेंगे, पांच नवा पैतालीस, पांच एकम पांच, देखिए है ना, फिर काटेंगे तेरह सात इक्यानवे, देखिए तेरह सात पांच सात तेरह आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चौसठ बटा, इसको तोड़े तो फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन आ गया, है ना, फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके हर पांच गुना सात गुना तेरह है, जो दो पर पावर पांच गुना दो पर पावर एन ना टू पर पावर एम इंटू फाइव पर पावर एन के रूप का नहीं है, नहीं है ना, इस रूप का तो ये नहीं है, देख रहे ना, इस रूप का ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस रूप का नहीं है तो बोलेंगे अतः, अतः यह क्या है, यह अशांत आवृत्ति है ना, आवर्ती है। ऐसे ही हमारा सवाल बनेगा। तो हमने अभी तीन सवाल को डील कर लिया है, ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आगे चौथा पांचवा छठा इसी तरह दिया हुआ है, तो कुछ तो सवाल ऐसे दिया हुआ, कुछ को ऑलरेडी करके दे रहा। चौथा सवाल कैसे बनाएंगे, पंद्रह बटे सोलह सौ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सोलह सौ को डिवाइड करेंगे, देखिए ऑब्वियसली सी बात है, सोलह सौ को आप डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, दो से काटेंगे तो आठ सौ हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो चार सौ हो जाएगा, फिर दो से काटेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर काटेंगे 100 हो जाएगा, फिर काटेंगे 50 हो जाएगा दो से, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5 मिनट कटेगा, है ना, इतना आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो दो एक दो तीन चार पाँच छः, दो पर दो छः गो आ गया, अब यहाँ पे पाँच जो है दो बार आ गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
15/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 लिख दिए। अब जब ये हम लिख दिए हैं तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी काटेंगे चलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या यही बात लिखना, चूंकि क्योंकि इसके हर क्या है, क्योंकि इसके हर 2/6 गुना 5/2 है, जो 2/m इंटू 5/n के रूप का है, हो गया। तो बोलेंगे अतः यह क्या होगा, आता या शांत है। तो 2/5 के रूप में आना चाहिए, बस शांत होने के लिए 2/5 ही जरूरत है, और कुछ की आवश्यकता ही नहीं है। 2 कितनों बार आ जाए, 5 कितनों बार आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसको मिटाते हैं। अब मेरे पास जो आया ये देखिए कितना है, 29/343 है। इसको तोड़ेंगे तो पता क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 29/343 को तोड़िए, 343 को तोड़ेंगे तो आएगा 7×7×7, ऐसे आएगा 7/3 आएगा, 7×7×7 आएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर 7/3 है, जो 2/m इंटू 5/n के रूप का है, है ना। बोल सकते हैं हम कि आता है या क्या होगा, रूप का नहीं है ना, रूप का नहीं है, आता है या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है। तो ऐसे हमको बनाना पड़ेगा। तो खैर ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कौन शांत है कौन अशांत है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा बताइए कौन क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तब को आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया, ये तो ऑलरेडी देखो बना के दे दिया है, 23/5/2 लिख, ये तो ऑलरेडी काट मतलब हमको बना के दे रहा है, तो फिर कुछ कर रहा है तो है नहीं, बस लिख देना डायरेक्ट सिंपल से, यहाँ पे लिख दीजिए है ना, क्योंकि इसके हर 2/3×5/2 है, जो 2/m इंटू 5/n के रूप का है, अतः या क्या होगा, अतः या शांत है। समझ में आया सबको, कैसे शांत हो रहा कैसे अशांत हो रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऑलरेडी तोड़ तार के यहाँ पे दे रहा है, ये सवाल देखो तोड़ के ऑलरेडी दे रहा है हमको, तो तोड़ के दे रहा, तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, 129/ लिख रहा, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 2/5/5/7×7/5 देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा, हमको ऑलरेडी जो है हाँ बना के दे रहा, तो बना के दे रहा तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए, जो यहाँ पे लिख रहा है 129 है ना, सही क्वेश्चन दियो ना, 129 ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या बोला बताया था, आपको मैंने बताया था क्या, कि जब नीचे में हर के रूप में 2 और 5 के ही रूप में आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 7 भी आ गया है ना। तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि वही काम, चूंकि यह, चूंकि यहाँ पे क्या लिखे, चूंकि इसके हर ना, चूंकि इसके हर 2/5×5/7×7/5 है, जो जो क्या लिख दें, जो 2/m×5/n के रूप का नहीं है, नहीं है ना, अतः क्या होगा, अतः या अशांत, अतः या अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया सबको, ये देख लीजिए ये सवाल बहुत पूछे हैं इम्तिहान में, एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आया, कौन शांत कौन अशांत है, तो ये ऑप्शन दिया है बहुत बार, तो इसको आप भूलिए मत। इसको काटेंगे, देखिए काटिएगा 15 को, कितना आएगा, 3×5 आएगा ना,
तो बोले सर यहाँ तो 5 आ रहा और 3 आ रहा। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर ये नीचे से कट जाता तो नीचे वाला खत्म होता है, 3 अगर कट जाता है तो अच्छी बात है। तो 3 को काटेंगे, 3 दूना 6, तो मेरे पास क्या आ गया, 2/5 आ गया। तो हर क्या आ गया, 5 के रूप में आ गया। तो फिर यही बात यहाँ पे लिख दीजिएगा, ओके सेम, क्योंकि इसके हर 5 है जो 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। अतः यह क्या होगा, यह शांत शांत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 35/7 इसको तोड़ेंगे, 35/50 को तोड़िएगा कितना आएगा, 50 को आप फैक्टर कीजिए, ये 25 आ जाएगा, फिर 5 × 5 है ना, तो कितना है, 2 × 5 पर पावर आया 2। अब इसको काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीचे में 2 और 5 ही है और कोई दूसरा है ही नहीं, तो काट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ बोलेंगे क्या, वही बात लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके हर 2 × 5 पर पावर 2 है जो, तो पतला करते इसको, जो 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप का है। यह क्या होगा, अतः यह शांत है, ठीक है। और एक सवाल और बच गया है, यहाँ देखिए 77/210, तो इसको तोड़िएगा, 210 को पहले तोड़ते देखिए, 2 × 2 = 0, 2 × 5 = 10 और है ना, 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। तो 2537 आ गया, 2537 यहाँ पे लिखेंगे, 77 को के तो 2 × 5 × 3 × 7 आ गया। चाहे तो आप काट भी सकते हैं, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, काटे 11 × 7 = 77। तो बात वही आ रहा कि 2 और 5 3 आखिर बच ही जा रहा ना, 3 नहीं कटा, अगर 3 भी कट जाता तो हमारा शांति हो जाता, 3 नहीं कटा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं, चूंकि इसके हर 2 × 5 × 3 है जो 2 पर पावर m × 5 पर पावर n के रूप का है ना, अतः या का रूप का नहीं है ना, के रूप का, के रूप का नहीं है, अतः या अशांत आवर्ती है। समझ आ गया सबको, शांत और अशांत जज करने के लिए आ गया। तो हमको शांत अशांत कैसे पहचानना है भाई, हमको करना होगा फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद जो हर 2 या 5 के रूप में अगर आए तभी वो शांत होगा, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर समझ आ गया सबको। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि ऊपर जो हमने पहला नंबर सवाल बताया, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत था, यहाँ पे सब के सब परिमेय संख्या था, अब हमको उसको दशमलव पॉइंट में लाना है, पॉइंट में लाना है, जो शांत है उसी को सिर्फ लाना है, ठीक है ना। देखिए बोला ना कि क्या उसको, उसी को लिखिए जो केवल शांत है, उसी को हमको क्या दशमलव प्रसार में लिखना है, हमको डेसिमल में लिखना है, पॉइंट में लिखना है, जो शांत है। चलिए तो देखते हैं शांत में कौन कौन है। तो पहला हम सवाल को हल करते हैं, है ना, पहला कितना नंबर सवाल था, 1 नंबर से लिख लेते हैं शांत, पहले तो यही शांत, पहले कौन सा था, पहले ये था शांत, देखो है ना, 5 ग्रुप में है, 13/31 25 13/31 25। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके डिवाइड करिएगा। इसको डिवाइड करने का एक तरीका यहाँ पर बताया गया है जो कि बहुत आसान तरीका से, हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना बड़ा आसान कब होगा, हम एक ऐसा दिमाग लगाओ जो हर को ना 0 के रूप में ला दो, मतलब कि ना 10, 100,
एक हजार, एक लाख, तब जरा आसान हो जाएगा हमको गुना करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक नियम बताया गया कि अगर हम इसको ऊपर भी 32 से और नीचे भी 32 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जो है कुछ मामला हल हो सकता है। देखिए जब मल्टीप्लाई किए तो 32 को 13, 13 दुना 26 के 6 बचा 2, 39, 416 आ जाएगा। और इसको जब आप गुना करोगे ना 32 को 5 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट गुना करके, ठीक है ना। गुना करने पे आ जाएगा 100,000 आ जाएगा, 100,000 आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 100,000 आ जाएगा। अब देखिए इसको गुना करने पे इतना आ गया, आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब जब ये जीरो आ गया ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया पॉइंट बनाना। आसान कैसे हो जाएगा देख लीजिए, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ ना, तो नीचे कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो है तो इधर से 5 अंक बाद पॉइंट देंगे, 416, 3 अंक हो गया, 4 अंक, अरे 5 अंक यहाँ पे ये हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। हमको यही लिखने के लिए बोला जा रहा, ठीक है, कि जो दशमलव जिसका शांत है उसे पॉइंट बन दे लिए। दूसरा क्या था, क्या शांत आया था, ये शांत था, देखिए 17/8 ये भी शांत था और वो आसान था ना, 17/8 है। चल दूसरा सवाल है 17/8 क्या है शांत, अब इसे डिवाइड, ये तो आप खुद से डिवाइड कर लो, ऐसे छोटा मोटा तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, है ना, 8 × 8 = 16, देखिए 8 × 8 = 16, 8 × 5 = 40, देखिए 2.125 कट गया ना, 2.125 जो आ गया, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे 17, इसको जब मैंने बनाया था 2.125 आ गया, पॉइंट में आ गया, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल मैं यहीं पे बनाता हूँ, तीसरा सवाल कौन सा था, कौन शांत है, ये तो अब तो यहाँ तो चूंकि ये तो अशांत हो गया ना, अब यहाँ पे देखते शांत, ये देखिए शांत था 15/1600, ये भी आसान होगा, कैसे आसान होगा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, आओ इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 16 × 100 ऐसे कर सकते हैं। अब 16 को 15 से डिवाइड करते हैं, दो जीरो बैठा देंगे उधर से, है ना, आप डिवाइड कर लो, ये भी आप नियम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बना लो, इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो लो हम ऐसे करते हैं 16 को 15 से डिवाइड करते हैं, है ना, अब लास्ट में दो जीरो बैठा देंगे, पॉइंट बैठेंगे, लंबा हो जाएगा भाग विधि, मैंने यहाँ पे कर रखा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, टाइम जाकर 93/75 और दो जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, 93/75 आएगा, ठीक है, और चूंकि सब है ना यहाँ पे बैठ जाएगा, तो ये आपका पॉइंट में आ गया, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप डिवाइड कर लेना आराम से। फिर क्या शांत, इस आसान हो कि शांत, यहाँ पे ये है 23/2 / 3, 5/2, 23/2 / 3 / 5/2 / 2/3 / 5/2 / 2, ओके, इसको बनाना भी आसान होगा। पहले मैं क्या करूंगा, इसको देखिए आसान तरीके से, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/3 कितना होता है 8 होता है, और 5 × 5 = 25, 25 × 8 कितना होगा 200, तो इसको जब गुना करेंगे तो आ गया 200, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आ गया कितना 0.15, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे भाग बनाते हैं नॉर्मली से, तो हम इतना क्यों करें लंबा चौड़ा, है ना, आप कर लीजिएगा, आपको तो मालूम है कैसे करना, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको बताना है मेन बेच लीजिए, है ना, बताना क्या करना है। और यहाँ पे टाइम और क्या होगा, ये हो गया, ये तो हो गया शांत वाला, और ये अशांत है, ये शांत है, ये भी शांत है, तो दो ठोर बच रहा ना, 6/15 और 35/50, 6/15 इसको डिवाइड कर लो, छोटा मोटा तो डिवाइड कर सकते हैं आराम से, 15 × 60 ये तो लो आ ही गया एक बार में, 0.4 ये आंसर हो गया, और एक क्या था 35/50 था,
इसको पहले काट लो, जब भी डिवाइड करने बोला ना, तो अगर कटता तो काट दे आराम से, देखिए यहाँ भी काटते तो ये हो जाता, यहाँ भी काट देते हैं, 7 × 5 = 35 और 10 × 5 = 50, 7/10, आप कितना आसान हो गया, 1 0 बैठा दीजिए, 0.7, तो ये आपको करने के लिए आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने डील कर लिया, समझा कि हमको उसी को लाना था पॉइंट में जो शांत था, इसलिए पीछे चुने कौन कौन शांत था, इसलिए मैंने उसको लाया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगला सवाल दिया है, कुछ वास्तविक संख्या दे दिया है तीन तरह का, अब बोला गया कि निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताना है। अगर परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है तो क्या कहेंगे, देखो तो जो ये पॉइंट इस तरह से रिपीट हो रहा, लेट जो ये पॉइंट रिपीट हो रहा ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट रिपीट हो रहा तो यहाँ पे हम एक जैसा बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है यहाँ तक एंड हो गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 43, ये पॉइंट काटेंगे, पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, तो यहाँ पे 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना आ गया, 10^9 आ जाएगा इसको। अच्छा 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 2 और 5 में टूटेगा, 100 तोड़ेंगे तो 2 5 के रूप में टूटेगा, 1000 को तोड़ेंगे तो 2 ही 5 के रूप में टूटेगा, पावर बढ़ेगा, यहाँ पे एक पावर है, आगे बढ़ेगा पावर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको मैं तोड़ूंगा तो आएगा कितना, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको जब तोड़ेंगे तो 2 × 2 पावर भी 9 हो जाएगा, और 5 × 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा बताओ, आप खुद बताओ शांत है कि अशांत है, पहले बात तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये होगा परिमेय संख्या, है ना, लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, और क्या बोल रहा, यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं बताना है, हाँ परिमेय संख्या है तो क्यों हुआ, ये क्या हो रहा, रिपीटिंग हो रहा ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिपीटिंग बोलते हैं, शांत, ये शांत है, देखिए शांत है ना, हो रहा ना, क्योंकि यह शांत है, ये तो बोल सकते हैं क्योंकि क्यू शांत के रूप में है, क्योंकि क्यू जो है ना, क्योंकि क्योंकि क्यू 2^m × 5^n के रूप का है ना, जो कि या क्या है, तो आप इतना चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, या परिमेय संख्या है क्योंकि Q जो है 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या होगा तो ऐसे में हो, अक्सर परिमेय संख्या इस रूप में होता है, जो नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे एक इसका अलग ही रूप आ रहा, तो ये क्या हो रहा, ये अशांत आवृत्ति होगा इसका, देखिए रिपीट का अलग टाइप का वहां पे दिखा रहा, ठीक है ना। तो यहां बोलेंगे क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, अशांत है तो परिमेय संख्या यहाँ पे ये नहीं होगा। अगला एक सवाल और है, देखिए ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 बार बार आएगा, 1 2 3 4 5 8 9, 1 2 3 4 5 8 9, इसमें भी तोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा, तो लिखेंगे क्योंकि यह शांत आवर्ती है ना, इसलिए यह परिमेय संख्या,
ओके बस इतना हमारा ये चैप्टर का हो गया, लास्ट हो गया। वैसे ये सब सवाल आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बाबू बताइए इनमें से कौन शांत है, चार को ऑप्शन दे देगा तो चुन लेना है। इतना कुछ तितिम्मा करना नहीं, लिखना उखना का नहीं है, बस ये दे देगा और आपसे पूछेगा कौन शांत है कौन अशांत है। तो मुझे तो लगता है आप आसान से बना दीजिएगा इस सवाल को, है ना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी जिसको अगर प्राइवेट क्लास पढ़नी है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जा रहा होगा, आप नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा, हम आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करेंगे। चाहे वो उर्दू का बच्चे हो, चाहे वो संस्कृत का बच्चे हो, मैथ साइंस सोशल, जिसको भी अगर प्राइवेट क्लास पढ़ना है, नोट्स लेना है, बेहतरीन नोट्स तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिलने वाला है, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।